ये माइक ही लॉजिकल इवनिंग सृष्टि प्रकृति शर्फ प्रियल भूमि राहुल मिशेल अन्वेश श्रेया लक्ष्मी राशि आंशी टोमैडो टोर्नाडो सॉरी वेदिका अदिति निर्जरा निया प्रभांशी वेरी लॉजिकल इवनिंग एंड अ वेरी 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 हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू ऑल ऑफ यू. एज आई टोल्ड यू ग्रुप में भी डाला था मैंने अगस्त तक का काफी सारे क्लासेस में बैचेस में मैंने कवर किया था. सितंबर अक्टूबर हमारा बचा हुआ था. आई स्टार्ट माय एमआईटी सेशन विद सितंबर एंड अक्टूबर मंथ्स. आज हम लोग कोशिश करते हैं सितंबर पूरा ही खत्म कर देंगे और हुआ तो कल के सेशन में विल फिनिश अक्टूबर एज वेल. ठीक है वेरी वेरी गुड इवनिंग. दिवाली की शुभकामनाएं. बहुत सारे त्यौहार हैं लेकिन हमारा एक ही त्यौहार है वो है क्लैट 2024. 3 दिसंबर को हमको एक एग्जाम लिखना है वही हमारा एकमात्र त्यौहार है. सारी तैयारी उसी की होनी चाहिए. रही बात दूसरी एम आई ऑडिबल और नॉट जस्ट अ क्विक माइक चेक. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. गुड इवनिंग. जस्ट लेट मी नो एम आई ऑडिबल और नॉट. इफ आई एम ऑडिबल आई विल स्टार्ट माई सेशन राइट अवे. येस ऑडिबल. ऑल राइट ग्रेट. ठीक है बेटा ठीक है गॉट इट. चलो चालू करेंगे आज का सेशन. आई विल बी डिस्कसिंग ऑल द एमआईटीज ऑल ओवर अगेन. सारी सेशन फिर से लूंगा मैं यूट्यूब पे. आई हैव प्रायोरिटाइज्ड सेप्टेम्बर एंड अक्टूबर बिकॉज इट हैज नॉट बीन डिस्कस्ड इन क्लास. ठीक है तो सेप्टेम्बर अक्टूबर से वी स्टार्ट आवर सेशन टुडे. व्हेन आई टॉक अबाउट नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड. लोग अंडरस्टैंड दैट द डेटा इज एवरीथिंग. डेटा इज द न्यू ऑयल 21st सेंचुरी. सो वी टॉक अबाउट नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड. इट इज अ पोर्टल. एक पोर्टल इज अ नेशनल रिपोजिटरी ऑफ डेटा रिलेटिंग टू केसेज इंस्टीट्यूटेड पेंडिंग केसेज डिस्पोज ऑफ केसेज ऑफ द कोर्ट्स. तो सबसे पहले यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट और हाई कोर्ट्स के जितने केसेज थे वो सारे के सारे उस पर इंटीग्रेट कर दिए गए थे. अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का भी जो केस रिकॉर्ड्स हैं दैट हैज ऑल्सो बीन इंटीग्रेटेड ऑन द नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड. ठीक है तो नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड बनाने में हेल्प किसने किया. एनआईसी नाम की एक बॉडी है जो कि हमें पता है कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है. मेटी के अंदर आता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी. ठीक है और फर्दर ऑब्वियसली देयर इज अ कंप्यूटर सेल ऑफ द रजिस्ट्री ऑफ सुप्रीम कोर्ट. तो वहां पर ऑलरेडी एक ई आपको पता है ना डिजिटल इंडिया नाम की एक चीज है और डिजिटल इंडिया इज नाउ द बज वर्ड. ऑलमोस्ट एवरी मिनिस्ट्री हैज वन और द अदर स्कीम एंड इनिशिएटिव दैट इज अबाउट डिजिटल इंडिया. सो एनीथिंग दैट इज गेटिंग डिजिटाइज एनीथिंग दैट गोज ऑनलाइन automatically becomes a part of digital India. This is also a part of digital India. Also there is something called e-courts. Courts का electronification जो करते हैं हम लोग तो उसको जैसे जैसे हम लोग electronic platforms पर लेकर आ रहे हैं या e-platforms पर लेकर आ रहे हैं that is known as e-courts. और e-courts का जो second e-courts project का एक तरह से second phase मान सकते हो आप national judicial data grid को. इसमें काम की चीज़ समझ लो इतनी ये दो points और यहां पर एक ये बॉडी का नाम लिखा है ये और ये कौन सी मिनिस्ट्री में आता है इतना देखो और आगे बढ़ते हैं. सोशलिस्ट एंड सेक्युलर इन कॉन्स्टिट्यूशन. इस चीज को लेकर हमेशा एक डिबेट रहता है वेदर वी शुड हैव दिस वर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट. इस बात को बस हमें यहां पर अपने काम के हिसाब से इतने फैक्ट्स याद रखने हैं कि 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे हाथ में आया था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम 1950 के टाइम पर कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारे पास आया था तो सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर्ड्स वर नॉट देयर इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. They were added later on through the 42nd Constitutional Amendment of 1976. हमें पता है ना it is also known as the mini constitution. It is called as mini constitution because a significant part of constitution was amended during that time. So 1976 में mini constitution लेकर आए थे. Indira Gandhi was the prime minister and part of mini constitution was to also add the words secular and socialist in the constitution. Constitution के भी किस हिस्से में कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में. ठीक है बाद में सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स भी रहे हैं जहां पर सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म सुप्रीम कोर्ट ने बोला है. फॉर एग्जांपल एसआर बोमे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट हैज वेरी क्लियरली लेड डाउन दैट सेक्युलरिज्म इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन.
ठीक है। तो प्रियम्बल, अच्छा प्रियम्बल हमें पता है, आपने वो देखा होगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो दैट इज द प्रियम्बल। वहां पर इनिशियली सोशलिस्ट सेक्युलर वर्ड वॉज नॉट यूज, लेटर ऑन वी हैव यूज द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। कब यूज किया? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के बाद से। अच्छा प्रियम्बल भी हमारे हाथ में, तो हमें पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में फाइनली आया, तो उसके पहले देर वॉज समथिंग कॉल्ड एन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ठीक है, दिस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मतलब ऑब्जेक्टिव, वॉट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने सालों साल बैठकर उस पर डिबेट्स डिस्कशंस की, एंड देन फाइनली वी केम आउट विद आर कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसके पहले व्हेन वी टॉक अबाउट प्रियम्बल, रिमेंबर दिस वर्ड कॉल्ड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन विच वॉज एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 22nd जनवरी। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, द फिलोसफी अंडरलाइंग द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज समड अप इन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। इवन वेन आई टॉक अबाउट प्रियम्बल, इट इज ऑल्सो इन अ वे इट टेल्स यू वॉट इज गोइंग टू बी देयर इन साइड। इट सेज द सेक्युलर कम, यू नो द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेक्युलर, सो इट टेल्स यू सर्टन प्रोविजन वेर इट गिव्स यू सर्टन प्रोविजन वेर इट मेंशन दैट वाई एंड हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ द कंट्री इज गोइंग टू बी अ सेक्युलर कंट्री। इट ऑल्सो मेंशन सर्टन यू नो सोशलिस्ट पॉलिसीज, फॉर एग्जाम्पल वी मेंशन वी हैव सीन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमें पता है कि वहां पर कई सारे सोशलिस्ट पॉलिसीज आर देयर राइट फ्रॉम द वेरी डे वन। सो इवन इफ द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर इज नॉट एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इवन इफ इट वॉज नॉट एडेड इन द 1940 इन द 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976, इवन देन वी वुड हैव नॉट यू नो वी वुड हैव वेरी क्लियरली एंड यू नो अनएम्बिगुअसली कॉल्ड आर कॉन्स्टिट्यूशन अ लिटिल बिट सोशलिस्ट एंड एज वेल एज सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो जितनी चीजें मैंने यहाँ पर इस स्लाइड के अंदर बोल्ड करके रख दी हैं उतना ही आपका काम का है। बाय द वे अगस्त तक का मंथली राउंड अप इज शेयर्ड ऑन योर ग्रुप्स। ठीक है, आपका जो डाउट क्लियरिंग ग्रुप है वहाँ पे मैंने अगस्त तक का मंथली राउंड अप बहुत वहाँ पे शेयर कर दिया है। आई एम वेटिंग, आप लोग जल्दी से उसको पढ़ लें, और जब तक आप अगस्त का रीड करेंगे आपके हाथ में मैं सितंबर भी दे दूंगा। सितंबर में रात को ही शेयर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज वी आई एम ऑलरेडी डन विद दैट, आई एम टेकिंग द सेशन। और इसमें भी अगर आपने ध्यान से अभी सुन लिया तो सितंबर पढ़ने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। कॉन्स्टिट्यूएंट कॉन्स्टिट्यूशन 128 अमेंडमेंट बिल 2023 वॉज इंट्रोड्यूस, नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसको नाम दिया गया था। दिस इज द फर्स्ट लॉ दैट वॉज ब्रॉट, फर्स्ट बिल दैट वॉज ब्रॉट इन द न्यू पार्लियामेंट। न्यू पार्लियामेंट में जो पहला पहला बिल लेकर आए थे वो क्या था? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इसके थ्रू ये लोग क्या करना चाहते हैं? दे टॉकिंग अबाउट विमेन रिजर्वेशन, विमेन रिजर्वेशन इन लॉ मेकिंग। ठीक है, अगर हम बात करें जरूरत, तो सिंपली सी सिंपल सी बात है, प्रेजेंटली भी अगर आप देखो 15% से कम वुमेन आर देयर इन द पार्लियामेंट, और मिजोरम जैसे स्टेट्स में तो एक भी वुमेन लेजिस्लेटर्स नहीं है। ठीक है, तो रिजर्वेशन कहाँ कहाँ दे रहे हैं ये भी जल्दी से देख लेते हैं। एक तो हम लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसीज में रिजर्वेशन दे रहे हैं, दूसरी चीज हम लोग कहाँ पर दे रहे हैं? स्टेट असेंबलीज में हम लोग कुछ रिजर्वेशन देना चाह रहे हैं। स्टेट असेंबली के इलेक्शन होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन, असेंबली ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, हमें पता है दिल्ली के पास अपने खुद की एक लेजिस्लेटिव असेंबली है। रिजर्वेशन ऑल्सो एक्सटेंडेड टू सीट्स रिजर्व फॉर एससीज एंड एसटीज इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज। नाउ व्हाट इज दैट? लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के लिए एससी एसटी का जो रिजर्वेशन है वो तो पहले से था, बट इसके अंदर वुमेन के लिए भी रिजर्वेशन होगा ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था। तो यानी अभी जो 1/3 सीट्स रिजर्व होंगी उसमें इवन एससी एसटी वाली सीट्स भी कुछ 1/3 सीट्स होंगी विच विल बी रिजर्व फॉर एससी एंड एसटी वुमेन। ठीक है, ड्यूरेशन क्या बोल रहे हैं रिजर्वेशन का? 15 साल। ठीक है, जब भी वो कमेंसमेंट फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट एंड द पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड इट फर्दर। इनिशियली उन्होंने बोल दिया 15 साल, यानी एक तरह का एक सनसेट क्लॉज का प्रोविजन मेंशन जरूर है वहां पर, बट वो चाहे तो उसको फर्दर एक्सटेंड भी कर सकते हैं। इन्फोर्समेंट कब से आएगा ये रिजर्वेशन? तो रिजर्वेशन कम इन टू इफेक्ट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ डिलिमिटेशन एक्सरसाइज बेस्ड ऑन द फर्स्ट सेंसस कंडक्टेड आफ्टर द पैसेज ऑफ द बिल। बिल के पास होने के बाद जो भी पहला सेंसस होगा उसके बाद एक डिलिमिटेशन कमीशन बैठाया जाएगा। डिलिमिटेशन कमीशन मैंने अच्छे से पढ़ाया है क्लास में पहले भी आपको, डिलिमिटेशन कमीशन बैठाया जाएगा, और डिलिमिटेशन कमीशन पे डिसाइड करेगा कि कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी हमको रिजर्व करनी है, एंड ऑन दैट बेसिस रिजर्वेशन विल बी इन्फोर्स्ड। ठीक है, और रोटेशन ऑफ सीट भी कह रहा है वो, 5 साल में होते हैं इलेक्शन हमारे यहाँ पे, तो हर 5 साल में जो सीट्स होंगी वो रोटेट होती रहेंगी। पहले कुछ 1/3 सीट रिजर्व होंगी, फिर अगली 1/3, फिर अगली 1/3, ऐसे करके जब 15 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो ऑल द सीट्स विल बी रिजर्व एटलीस्ट वंस फॉर द वुमेन। एंड ऐसा करके फिर उसके बाद गवर्नमेंट चाहे तो या तो बंद कर दे वो रिजर्वेशन, या इफ दे वॉन्ट दे कैन फर्दर एक्सटेंड इट फर्दर। ठीक है, इसको और फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है। दिस इज द 128th अमेंडमेंट बिल ऑफ 2023। सितंबर का बैकअप कब मिलेगा? बैकअप बेटा, बैकअप
तो नहीं बोलते हम लोग, राउंड अप बोलते हैं। विल यू विल गेट दैट राइट नाउ, मतलब आपको मिल जाएगा आज, इस सेशन के बाद ही मैं शेयर कर दूंगा। रिजर्वेशन की नीड क्या है? प्रेजेंटली देर आर 82 वुमेन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में एंड 31 आर देयर इन द राज्यसभा। तो ऑलरेडी वी नो दैट द नंबर ऑफ द अमाउंट ऑफ रिप्रेजेंटेशन दैट वी हैव इज वेरी लेस। ठीक है, कम रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन एडिक्वेट नहीं है। नेक्स्ट थिंग, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट यूएन वुमेन डेटा, रवांडा 61%, क्यूबा, निकारागुआ आर द टॉप 3 कंट्रीज ऑफ वुमेन रिप्रेजेंटेशन। वुमेन रिप्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दिस स्टैंड आउट। अच्छा, रवांडा में भी 61% होने का एक वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन इज बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन। ठीक है, वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन इज रिजर्वेशन। बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो 21% एंड 20% एज वेल आर ऑल्सो अहेड ऑफ इंडिया। तो इवन बांग्लादेश एंड पाकिस्तान आर अहेड ऑफ इंडिया व्हेन इट कम्स टू फीमेल रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स। इन सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए वी कैन सेफली एज्यूम दैट रिजर्वेशन कैन ब्रिंग मोर एंड मोर वुमेन इन टू पॉलिटिक्स एंड कैन ऑल्सो इंश्योर मोर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन द लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा। आगे बढ़ते हैं। साइमल्टेनियस इलेक्शन, आपको पता ही है क्या होता है साइमल्टेनियस। अभी आपको मालूम है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में इलेक्शन है 17 तारीख को, तो 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में इलेक्शन है, लेकिन जो जनरल इलेक्शन देश के होते हैं वो होंगे अगले साल अप्रैल मई के आसपास। तो हमें पता है कि इलेक्शन सेम टाइम पे नहीं हो रहा। अच्छा, और इसी साल की शुरुआत में दूसरे स्टेट्स के इलेक्शन हुए थे, फॉर एग्जाम्पल कर्नाटका। तो हमें मालूम है कि जो स्टेट्स के कुछ इलेक्शन है वो अलग टाइम पे हो रहे हैं, जनरल इलेक्शन है वो अलग टाइम पे हो रहे हैं। तो इसके कारण क्या होता है, जब भी इलेक्शन मशीनरी होती है, आप देखना, आप अभी भी अगर आप ऑब्जर्व करो अक्रॉस द स्टेट, पूरी CISF और CRPF की अलग अलग बटालियन डिप्लॉयड होती है, पूरी की पूरी गवर्नमेंट, यू नो, गवर्नमेंट मशीनरी सिर्फ एक काम में लग जाती है, दैट इज लोग वोट कर पाए। सो दैट वॉट वी कॉल एज द डांस ऑफ डेमोक्रेसी। सो वी आर विटनेसिंग द डांस ऑफ डेमोक्रेसी राइट इन फ्रंट ऑफ अस। बट द प्रॉब्लम इज व्हेन वी विटनेस दिस डांस ऑफ डेमोक्रेसी, द डांस ऑफ डेमोक्रेसी और दिस एंटायर इलेबोरेट मशीनरी दैट गोज बिहाइंड दैट डेमोक्रेसी ऑल्सो इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ एक्सपेंसेस, एंड दैट एक्सपेंसेस आर अल्टीमेटली वॉट, टैक्स पेयर्स मनी। तो ऐसा एक आर्ग्यूमेंट है कि जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बना, कॉन्स्टिट्यूशन का जो सबसे पहले इलेक्शन हुए थे तो उस समय साइमल्टेनियसली सारे के सारे स्टेट्स में और सेंटर के इलेक्शन साथ में हुए थे। तो उसी तरह से, उसी तर्ज पर हम वापस से साइमल्टेनियस इलेक्शन की तरफ मूव कर जाए, सो दैट द इलेक्शन एक्सपेंसिस कैन रिड्यूस। ठीक है, तो अब वो इलेक्शन, अब वो एक आइडिया है साइमल्टेनियस इलेक्शन का, उसके प्रोज एंड कॉन्स यू मस्ट हैव रेड अबाउट इट व्हेन इट वॉज देयर इन न्यूज। हमारे काम की चीज फिलहाल इतना देख लो, वॉट वी हैव अंडरस्टूड वॉट इज साइमल्टेनियस इलेक्शन। इट वॉज द नॉर्म, इट वॉज नॉर्मल टिल 1967, बट क्या हुआ उसके बाद, कई सारी लेजिस्लेटिव असेंबली डिजोल्व हो गई 68-69 में। अब डिजोल्व हुई, री इलेक्शन हुआ, तो ऑटोमेटिकली तो सेंटर की टाइमलाइन थी, 4-5 5-5 साल में इलेक्शन हो रहे थे, उसकी टाइमलाइन से थोड़ा सा अलग हो गए। तो ऑटोमेटिकली वो साइमल्टेनियस इलेक्शन का पूरा इक्वेशन चलता था, वेयर सेंट्रल के इलेक्शन और लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन दोनों साथ में चलते थे, वो कहीं ना कहीं थोड़े से मैसअप हो गए। ठीक है, तो इसी तरह से हम देख रहे हैं साइमल्टेनियस इलेक्शन को वापस से फिजिबिलिटी को एग्जामिन करने के लिए एक कमिटी बैठाई गई है, किसके अंडर, जो हमारे एक्स प्राइम प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोविंद जी, उनके अंडर एक कमिटी बनाई गई है। तो हमें पता होना चाहिए पहले, तो साइमल्टेनियस इलेक्शन से रिलेटेड एक कमिटी है रामनाथ कोविंद के अंदर बनाई गई है, हु इज द ऑल्सो द एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड सेकेंडली वी शुड नो दैट टिल 67, फ्रॉम द फर्स्ट इलेक्शन इन 1952 टू 67, वी सी दैट साइमल्टेनियस इलेक्शन यूज हैव बीन हैपनिंग, बट 67 के बाद से साइमल्टेनियस इलेक्शन नहीं हो पाए। क्लियर? इलेक्शन कमीशन ने भी रिकमेंड किया था, लॉ कमीशन ने रिकमेंड किया हुआ है कई बहुत बार पहले, इवन नीति आयोग ने भी बोला है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन होने चाहिए। बट आई वुड सजेस्ट दैट इसके हमको प्रोज एंड कॉन्स दोनों समझ में आने चाहिए। इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, कुछ फायदे भी हो सकते हैं। नुकसान तो ऐसा कुछ नहीं है, बट इसके इंप्लीमेंटेशन की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो अगर हम किसी तरह से टैकल कर लें तो देर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम विद साइमल्टेनियस इलेक्शंस। एक अमिताभ रॉय कम्युनिटी है रिलेटेड टू प्रिजन रिफॉर्म्स। अच्छा, एक और चीज समझना, मैंने आप लोगों को जो कंटेंट दिया कुछ कुछ जगह पे आई हैव हाईलाइटेड, तो जहां पे अगर आपको इतनी सारी चीजें दिख रही है ना, तो अगर इतनी सारी चीजें, जस्ट गो थ्रू इट वंस, बट फोकस हमको इस पे करना है कि ये एक लाइन भी अगर हमने पढ़ लिया तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो जहां मैंने इस तरह से हाईलाइट किया हुआ उस पेज पे, बस उतना हाईलाइटेड भी पढ़ लो अगर आप रिवाइज करते टाइम। फर्स्ट रीडिंग में तो एक बार जल्दी से पूरा पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिवाइज करते टाइम वो हाईलाइटेड पार्ट भी पढ़ लिया तो काफी है। प्रिजन रिफॉर्म से रिलेटेड एक कमेटी है जिसका नाम है अमिताभ रॉय कमेटी। तो जस्टिस अमिताभ रॉय कमेटी ने अपने ऑलरेडी रिफॉर्म्स के जो रिपोर्ट है वो सबमिट कर दी थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है अभी सेंटर और स्टेट से कि भाई आपके क्या व्यूज हैं इन लाइट ऑफ द रिपोर्ट दैट हैज ऑलरेडी बीन सबमिटेड बाय जस्टिस अमिताभ रॉय। पार्लियामेंट सेशन,
ठीक है। अब देखो अभी एक टर्म यूज हुआ था स्पेशल सेशन, स्पेशल सेशन बुलाया गया था न्यू पार्लियामेंट जब गठित की गई थी, या न्यू पार्लियामेंट में पहला सेशन जब करवाया गया था जिसमें कि वो विमेन रिजर्वेशन बिल भी हम लेकर आए थे। तो जो पहला लेकर आए थे, तो पहला सेशन पार्लियामेंट सेशन की जब हम बात करते हैं तो स्पेशल सेशन था पार्लियामेंट का। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला सेशन जब हम बोलते हैं स्पेशल सेशन, स्पेशल सेशन की जब हम बात करते हैं, स्पेशल सेशन एज सच ये वर्ड कहीं पे मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। टर्म समटाइम रेफर्स टू सेशंस गवर्नमेंट हैज कन्वीन फॉर स्पेसिफिक ओकेजन्स, तो कोई सेशन है जो कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो उसके लिए वो एक टर्म यूज कर लिया जाता है। यहाँ एक प्रोविजन दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में दैट द पार्लियामेंट शुड मीट एटलीस्ट ट्वाइस इन अ ईयर, ठीक है। और नॉर्मली बाय कन्वेंशन हम कितनी बार मिलते हैं हमारा पार्लियामेंट, 3 बार। आपको पता है ना, एक बजट सेशन होता है, एक विंटर सेशन होता है और एक मॉनसून सेशन होता है। जैसे विंटर सेशन अभी आएगा तो मॉनसून सेशन ऑलरेडी हो चुका है, तो ये सारी चीजें हैं वहां पर। अब कैबिनेट कमिटी ऑन पार्लियामेंट्री, नॉर्मली सेशन बुलाने का तरीका क्या होता है ये देखो। कैबिनेट कमिटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, कैबिनेट कमिटी यानी खूब सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं साथ में बैठते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि क्या ड्यूरेशन होगा, कब बुलाना है। और उसके बाद प्रेसिडेंट समन करता है, जो समन होता है वो किसके नाम पे होता है, प्रेसिडेंट के नाम पे समन किया जाता है। समन किसके नाम पे होता है, प्रेसिडेंट के नाम पे समन होता है, ठीक है। एंड प्रेसिडेंट देन समन्स एमपीज फॉर द सेशन, और प्रेसिडेंट जब समन कर लेता है उसके बाद वो सेशन आता है। तो नॉर्मली बाय कन्वेंशन हम 3 बार बैठते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि मिनिमम 2 बार बैठना जरूरी है, ठीक है। और ये डिसीजन कौन ले रहा होता है, सीसीपीए लेता है, बट जो एक्चुअल ठप्पा जिसके नाम का लगता है, जिसके नाम पे फाइनली वो डिसीजन वो सबके पास पहुंचता है समन, दैट इज थ्रू द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट समन्स द पार्लियामेंट्री सेशन, इतना याद रखना, प्रेसिडेंट समन्स द पार्लियामेंट्री सेशंस। डिटर्मिनेशन ऑफ डेट एंड ड्यूरेशन ये कैबिनेट कमिटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स करता है। हमें पता है ना प्रेसिडेंट इज लार्जली रबर स्टैम्प, जैसा बोला जाता है वैसा वो कर लेता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आसपा नाम का एक लॉ है, हमें पता है इट इज बेसिकली फॉर डिस्टर्ब्ड एरियाज, दे कॉल इट डिस्टर्ब्ड एरियाज। तो आसपा 1958 का एक्ट है, अलग अलग एरियाज में रहा। लॉ फर्स्ट केम इनटू इफेक्ट इन 1952 डील विद अपराइजिंग्स इन द नागालैंड, दिस शुड बी नागालैंड, नागालैंड में अपराइजिंग्स को डील करने के लिए, ठीक है। इन वन ऑफ द प्रीवियस मंथली राउंड अप्स आई हैव कवर्ड आसपा इन डिटेल, तो कौन कौन से स्टेट में है कौन से में नहीं है वो एक बार देख लेना। नॉर्थ ईस्ट के कौन कौन से स्टेट्स में कभी नहीं लगा हुआ है, जस्ट गो थ्रू इट वंस। यहाँ पर मैं एक बार जल्दी से आपको बता दूंगा कि देर इज समथिंग कॉल्ड डिस्टर्ब्ड एरियाज, अ पार्ट और होल ऑफ द स्टेट इज डिक्लेयर डिस्टर्ब एरियाज वेन यूज ऑफ आर्म फोर्सेज इन एड ऑफ सिविल पावर इज नेसेसरी टू रिस्टोर ऑर्डर। डिक्लेरेशन इज मेड बाय गवर्नर ऑफ द स्टेट, और अगर यूटी है तो एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटी, और बाय सेंटर। ये लोग वो लोग हैं जो डिक्लेयर करते हैं। देखो कई बार क्या होता है, सिचुएशन हाथ के बाहर निकल सकती है, और हाथ से बाहर निकल जाती है बहुत सारे कारण से भी निकल सकती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे जम्मू कश्मीर में हमें पता है इंसर्जेंसी है, नॉर्थ ईस्ट में भी एक लॉन्ग स्टैंडिंग इंसर्जेंसी है, जहाँ पे कुछ कुछ फैक्शंस हैं, कुछ लोगों को तो हमने रेगुलराइज कर दिया डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, यू नो इन्वॉल्व कर लिया है, बट बहुत सारे सेक्शंस और फैक्शंस आज भी ऐसे हैं जो आज भी सेपरेट स्टेटहुड मांगते हैं, दे हैव नॉट येट सरेंडर्ड देयर वेपन्स। तो ऐसी सिचुएशन में कई बार आर्म फोर्सेस को भी वहां पर लेकर आना पड़ता है। और एफ्सपा को लेकर एक मेजर ह्यूमन राइट्स वायलेशन का एक हमेशा से एक क्वेश्चन मार्क रहा है, दैट अ लॉट ऑफ पावर हैज बीन गिवन टू द आर्म फोर्सेस। गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट ये रहता है कि बिकॉज वी आर डीलिंग विद पीपल हु हैव वेपन्स इन देयर हैंड एंड दे आर इनटू ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स, एंड दे आर बेसिकली डिमांडिंग, सीधे सीधे स्टेट की इंटेग्रिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी पे क्वेश्चन करते हैं, दैट इज वाई वी हैव टू गिव दैट काइंड ऑफ पावर्स टू द आर्मी। बट द पीपल बाय अदर साइड है कि उनको उनका ये कहना है कि ह्यूमन राइट्स के जो क्या कहते हैं अपने एडवोकेट्स हैं, दे हैव दिस आर्ग्यूमेंट दैट जो पावर्स दे रखी हैं दे आर अनफेटर्ड पावर्स, ठीक है। तो इस तरह से देर इज अ डिस्प्यूट अराउंड इट, बट नेवर द लेस यू शुड नो वॉट इज डिस्टर्ब एरियाज देर, एंड आई डिस्कस दिस इन डिटेल। इस कॉन्टेक्स्ट में एक ये नाम याद कर लेना, जीवन रेड्डी कमिटी। सो व्हेन आई से जीवन रेड्डी कमिटी रिलेटेड टू आफ्सपा, बस ये नाम याद कर लेना, यू विल बी सॉर्टेड, इतना याद रख लेना। और एग्जाम में दिखे आफ्सपा से रिलेटेड तो जीवन रेड्डी कमिटी अगर कहीं दिखता है तो चुपचाप उसको मार देना, सही आंसर होगा वो। सेंटर हैज नोटिफाइड थर्ड फेज ऑफ मैंडेटरी हॉलमार्किंग, गोल्ड ज्वेलरी और गोल्ड आर्टिफैक्ट्स की हॉलमार्किंग करने के लिए जरूरी है, ताकि उसको ट्रैक एंड ट्रेस किया जाए और उसकी ऑथेंटिसिटी को एस्टैब्लिश किया जा सके। हॉलमार्किंग स्कीम इज डेवलप्ड बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, विच इज असाइन्स अ यूनिक हॉलमार्किंग यूनिक आईडी, हॉलमार्क का यूनिक आईडी नंबर टू ऑल हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी आइटम को देते हैं। और किस तरह के गोल्ड को, 14 कैरेट, 18 कैरेट एंड 22 कैरेट गोल्ड जो ज्वेलरी होती है, ठीक है,
24 कैरेट गोल्ड में ज्वेलरी बनाना आसान नहीं होता, तो 14, 18 और 22 कैरेट गोल्ड में उसमें कुछ इंप्योरिटीज डालकर उसको ज्वेलरी फॉर्म में बनाया जाता है। तो 14, 18 और 22 कैरेट गोल्ड जो होता है उस पे BIS स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली उन्होंने एक यूनिक HUID देना चालू कर दिया, ठीक है। मॉक्सी, मार्स ऑक्सीजन इन सितु, इन सितु का मतलब मैंने बताया था एक बार, इन इट्स प्लेस, इन सितु रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट, ठीक है, इन सितु रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट। तो मॉक्सी का नाम, मॉक्सी बेसिकली क्या है, नासा का मिशन है सबसे पहले, ऑक्सीजन जनरेटिंग इंस्ट्रूमेंट है, नाम में ऑक्सीजन आ रहा है, और मॉक्सी से भी याद रखना OX आ रहा है यहाँ पर। परसिवरेंस किस पे है, परसिवरेंस मार्स रोवर, नासा का एक रोवर है, जैसे हमारा एक रोवर है चांद पर जिसका नाम है प्रज्ञान, वैसे ही नासा का एक रोवर है मार्स पर जिसका नाम है परसिवरेंस, और परसिवरेंस रोवर पे ये पर्टिकुलर पेलोड वहां पर ये इंस्ट्रूमेंट उस पे है, और ये इंस्ट्रूमेंट उस पे जो लगा रखा है वो क्या करता है, इट प्रोड्यूसेस मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन थ्रू एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस दैट सेपरेट्स वन ऑक्सीजन एटम फ्रॉम ईच मॉलिक्यूल ऑफ CO2 पम्प्ड इन फ्रॉम मार्स थिन एटमोस्फियर। तो मार्स के एटमोस्फियर में से CO2 लेता है और उससे वो ऑक्सीजन जनरेट करता है, ठीक है। बेसिकली ये इसलिए किया जा रहा है कि फ्यूचर में अगर हम मार्स मिशंस पे जाते हैं, अगर ह्यूमंस भी जाते हैं मार्स पे, तो ऑक्सीजन कैन बी यूज्ड फॉर बोथ ब्रीदिंग एज वेल एज फॉर फ्यूल, ठीक है। तो इट्स अ टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर है एक तरह का। तो रिसर्चर्स कहाँ के, MIT, हमें पता है US में एक यूनिवर्सिटी, नॉन यूनिवर्सिटी, MIT ने बनाया है मॉक्सी, और फिर नासा ने उसको लॉन्च किया है, एंड इट हैज सेंट इट थ्रू द परसिवरेंस रोवर दैट इज देयर ऑन द मार्स। माइग्रेंट्स अवॉर्डेड सिटीजनशिप, तो अभी रिसेंटली कुछ 108 माइग्रेंट्स हैं फ्रॉम पाकिस्तान जो कि पहले से आके रह रहे हैं, कम कई समय से रह रहे हैं इंडिया में, तो उनको गुजरात में कुछ सिटीजनशिप अवॉर्ड करी गई है। कौन करता है, सबसे पहले देता है ऑर्डर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एम्पावर्ड द कलेक्टर्स फ्रॉम सर्टन डिस्ट्रिक्ट्स इन द स्टेट ऑफ गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा एंड पंजाब फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड ग्रांट सर्टिफिकेशन ऑफ नेचुरलाइजेशन अंडर सेक्शन 5, दिस एप्लीकेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पर्सन बिलोंगिंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी कमिंग फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, ठीक है। सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन क्या होता है, देखो वहां पर क्या किया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कलेक्टर को कुछ पावर देख रखी है कुछ सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में, और वो लोग वहां पर नेचुरलाइजेशन, हम देखेंगे आगे नेचुरलाइजेशन प्रोसेस क्या होती है, कि कैसे सिटीजनशिप एक्वायर करी जाती है, ठीक है। तो नेचुरलाइजेशन की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के थ्रू दे हैव एक्वायर्ड द सिटीजनशिप, तो इट कैन बी एक्वायर्ड बाय अ फॉरेनर। फॉरेनर कर सकता है जो बहुत समय से इंडिया में रह रहा है, उसको नेचुरलाइज सिटीजनशिप दी जा सकती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ सिटीजन, और उसको सिटीजनशिप, कंप्लीट सिटीजनशिप दी रखती है, लेकिन इलीगल माइग्रेंट को नहीं दिया जा सकता ये, फॉरेनर होना चाहिए, लेजिटिमेटली इंडिया आया होना चाहिए, और बहुत समय से अगर इंडिया में रह रहा है तो वो चाहे तो इंडियन सिटीजनशिप ले सकता है। ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 12 ईयर्स थ्रू आउट द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स इमीडिएटली प्रिसीडिंग द डेट ऑफ एप्लीकेशन, तो यानी मैंने एप्लीकेशन डाली उसके 12 साल पहले, मैं हमेशा लगातार पिछले 12 साल से कहाँ रह रहा हूँ, पिछले 12 साल से कहाँ रह रहा हूँ, इंडिया में रह रहा हूँ, एंड फॉर 11 ईयर्स इन द एग्रीगेट इन द 14 ईयर्स प्रिसीडिंग द 12 मंथ्स, ठीक है। तो 11 ईयर्स इन द एग्रीगेट इन द 14 ईयर्स प्रिसीडिंग द 12 मंथ्स, तो इस तरह से उन्होंने वहां पर कुछ एक बना रखा है बेसिक प्रोविजन। नेचुरलाइजेशन का मतलब समझो, एक सर्टन पीरियड तक आप रहने लग जाओ तो उसको कहते हैं नेचुरलाइजेशन। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 हाउएवर रिलैक्स द पीरियड ऑफ 11 ईयर्स टू 5 ईयर्स फॉर द पर्सन बिलोंगिंग टू, देखो एक 2019 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, आपको पता है CAA NRC को लेकर काफी डिस्प्यूट हुआ था, खासकर CAA को लेकर काफी कुछ वहां पे दिल्ली में दंगे वगैरह भी हुए थे उसी समय पे। तो 11 साल से 5 साल उन्होंने कर दिया था, और फिर हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है, जो कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हैं, उनके लिए यही पीरियड जो 11 साल हुआ करता था उसको 5 साल इन्होंने कर दिया। चार तरीके हो सकते हैं, बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन एंड नेचुरलाइजेशन, ठीक है। रजिस्टर्ड एज सिटीजन, डिसेंट यानी आपके पेरेंट्स यहाँ के सिटीजन हैं, बर्थ यानी आप यहाँ पर पैदा हुए हो, और नेचुरलाइजेशन आप बहुत समय से यहाँ रह रहे हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस की बात करें तो जैसे पार्ट 3 पे फंडामेंटल राइट्स हैं, तो पार्ट 2 में कॉन्स्टिट्यूशनशिप की बात हो रही है, और आर्टिकल 11 ग्रांट्स पार्लियामेंट, ये ध्यान से देखना, दी अथॉरिटी टू मेक एनी प्रोविजन रिगार्डिंग एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। तो कौन बना सकता है प्रोविजन, पार्लियामेंट बना सकता है, ठीक है, पार्लियामेंट कैन मेक दैट प्रोविजन।
सिटीजनशिप सिग्निफाइज रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड स्टेट. लाइक एनी अदर मॉडर्न स्टेट, इंडिया हैज टू काइंड ऑफ पीपल. इंडिया बेसिकली हैज टू काइंड ऑफ पीपल. सिटीजन्स एंड एलियंस, दो तरह के लोग होते हैं सिटीजन्स एलियंस. इस तरह से हमने डिवाइड किया रखा है. सिटीजनशिप बेसिकली आइडिया ऑफ एक्सक्लूजन होता है, क्योंकि हम कुछ लोगों को सिटीजनशिप देते हैं, दूसरों को उससे बाहर करते हैं. सिटीजनशिप लिस्टेड इन यूनियन लिस्ट, बहुत क्लियर है, यूनियन डिसाइड करेगा. एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन है किसका? पार्लियामेंट का. स्टेट का वहां पे कोई रोल नहीं है. कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन द टर्म सिटीजन, उसको कहीं डिफाइन नहीं किया, लेकिन लॉस के थ्रू बाद में हमने उसको डिफाइन किया हुआ है. ठीक है. और नवंबर 26, दीज आर्टिकल्स वर इन्फोर्स्ड ऑन नवंबर 26, 1949 इटसेल्फ. ठीक है, तो आपने पता है ना 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन केम इन टू एग्जिस्टेंस 1949, इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द लॉ डे. तो हम लोग इस तरह से एक लॉ डे भी सेलिब्रेट करते हैं. कमिंग टू आर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. एक रीजनल मीटिंग अभी रिसेंटली हुई थी किगाली में. रीजनल मीटिंग यानी जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है उसकी एक मीटिंग हुई थी किगाली. किगाली इज अगेन, हमने कंट्री शुरुआत में पढ़ी थी वेमेन रिजर्वेशन के लिए, रुआंडा, तो वहां पर है. ठीक है, अब हमें पता है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बात करें, एक सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ दैट अफ्रीकन कॉन्टिनेंट फॉल्स इन द ट्रॉपिकल रीजन. तो वो ट्रॉपिकल रीजन में फॉल करता है, तो ऑटोमेटिकली सोलार पावर की जनरेशन की जो कैपेसिटी है वो सबसे ज्यादा है वहां पर. ठीक है, और आगे चलते हैं. आईएसए के बारे में बेसिक जान लेते हैं, कहाँ लॉन्च हुआ था, किसने लॉन्च किया. इंडिया एंड फ्रांस ने COP 21 में 2015 में फ्रांस में, या पेरिस में, जब जिस समय पे ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई थी. कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी किसकी? यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हमने कंडक्ट करी थी. ठीक है, COP 21 वहां पर लॉन्च किया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस को भी. ठीक है, और यूएन जनरल असेंबली हैज ग्रांटेड द ऑब्जर्वर स्टेटस. नाउ आईएसए, विच इज एन इंडियन इनिशिएटिव, हैज बीन ग्रांटेड ऑब्जर्वर स्टेटस. ठीक है, ऑब्जर्वर स्टेटस टू यूएन जनरल असेंबली का ऑब्जर्वर स्टेटस उनको ग्रांट कर दिया गया. आईएसए सीक्स टू डेवलप कॉस्ट इफेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन सोलार एनर्जी सॉल्यूशंस. नेम से बहुत क्लियर है, मतलब दिमाग लगाने ही नहीं ज्यादा उसमें. हेडक्वार्टर्स गुरुग्राम इंडिया में. ठीक है, इसी तरह एक और एक बॉडी है हमारे यहाँ इंडिया की, इनिशिएटिव रहा है CDRI, जो इंडिया ने 2019 में लॉन्च किया था. इसका हेडक्वार्टर्स फॉर नाउ वी हैव केप्ट इट इन न्यू दिल्ली. की इनिशिएटिव्स अगर देखें तो वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड एक जॉइंटली लॉन्च इनिशिएटिव है इंडिया यूके का. वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इज अ वेरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट वेयर वुड दे आर ट्राइंग टू इंटीग्रेट ऑल द ग्रिड्स ऑफ द वर्ल्ड. पूरी दुनिया की ग्रिड को वो इंटीग्रेट कर देना चाहते हैं, ताकि जो सोलार एनर्जी की एक प्रॉब्लम है, दैट इज इंटरमिटेंट सप्लाई, उस इंटरमिटेंट सप्लाई की प्रॉब्लम को वो एड्रेस कर सकें. देन यू हैव समथिंग कॉल्ड स्टार सी, सोलार एक स्टार्टअप चैलेंज, ग्लोबल फाइनेंस फैसिलिटी फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट इन सोलार सेक्टर. दीज आर ऑल इनिशिएटिव्स ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस. बेटा इफ एनी कंटेंट यू हैव मिस्ड, कोई बात नहीं, मैं आपको वैसे भी शेयर कर ही दूंगा, तो आपके पास पहुंच जाएगा, तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है. रिसेंटली इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट के हिसाब से ईरान हैज एक्सपैंडेड द स्टॉक ऑफ नियर वेपन्स ग्रेड यूरेनियम. वेपन्स ग्रेड यूरेनियम होता है जब भी आप यूरेनियम को 90% अबव एनरिच कर लो, तो इनका ये कहना है इट इज नियर वेपन ग्रेड, मतलब ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ वेपन ग्रेड यूरेनियम. उन्होंने ऑन द वर्ज ऑफ वेपन, तो उन्होंने उतना यूरेनियम बना लिया, तो एनरिच 90% के ऊपर हो तो वेपन ग्रेड यूरेनियम उसको हम बोलते हैं. यूरेनियम एनरिचमेंट क्या है? इट्स अ प्रोसेस टू क्रिएट एन इफेक्टिव न्यूक्लियर फ्यूल आउट ऑफ माइंड यूरेनियम बाय इंक्रीजिंग द परसेंटेज ऑफ यूरेनियम U-35. बेसिकली U-35 जो हम लोग यूरेनियम माइन करते हैं उसमें जो U-35 का परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा नहीं होता है, उसको हम धीरे 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 करके रिफाइन कर करके एनरिच करते हैं, और उसको जब एक 90% के ऊपर एनरिचमेंट हो जाता है तो इट बिकम्स अ पोटेंशियल, इट कैन बी यूज एज अ पोटेंशियल न्यूक्लियर वेपन. ठीक है, बट जनरली जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमको यूज करना होता है 3 to 5% पे भी वो काम आराम से हो जाता है. इवन 20% तक के लिए आप कह सकते हो, 5 to 20% में यू कैन यूज दैट पर्टिकुलर थिंग फॉर पीसफुल पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन, जो हम कहते हैं दैट कैन बी डन थ्रू दैट. ठीक है, हाईली एनरिच्ड यूरेनियम HEU इज एनीथिंग एनरिच्ड अबाउट 20% यूरेनियम. तो 20% के ऊपर कुछ भी एनरिच कर रहे हो तो उसमें उनका मानना होता है कि कहीं ना कहीं देयर
मूविंग टूवर्ड्स एक्वायरिंग अ न्यूक्लियर वेपन, बिकॉज सिविलियन पर्पसेस के लिए 20% के ऊपर यूरेनियम की एज सच अभी इस वक्त कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है, बीच में देखा था प्रज्ञान को स्लीप मोड वगैरह में उन्होंने डाल दिया था इस होप के साथ कि वापस से जागेगा, ऑल दो नहीं जागा, लेकिन फिर भी एक बार पहले हो चुका है, चाइनीज एक रोवर कहीं से जाग गया था फिर से। दिस हैज बीन डन टू विदस्टैंड द लूनार नाइट ऑफ द मून विच लास्ट फॉर अबाउट इट शुड बी अराउंड 14 अर्थ डेज एज टेम्परेचर ड्रॉप टू -200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वो जैसे ही वो दूसरी साइड पर चला जाता है, फार साइड ऑफ द मून, फार साइड ऑफ द मून पे जैसे ही चला जाता है, तो फार साइड वाले मून पे उन्हें पता है कि वहाँ पे -200 डिग्री सेंटीग्रेड भी टेम्परेचर चला जाता है। ऐसे में इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द ऑल दोज इंस्ट्रूमेंट्स एंड यू नो एवरीथिंग टू कंटिन्यू टू वर्क। इसको सक्सेसफुली कंडक्टेड अ हॉप एक्सपेरिमेंट, हमें पता है जो विक्रम नाम का हमारा लैंडर है उसका एक हॉप एक्सपेरिमेंट किया था, क्योंकि फ्यूचर में आज अभी तो हम गए लैंड करके हमारा काम हो गया, इन फ्यूचर में वहाँ लैंड कर मटेरियल कलेक्ट कर हमें वापस भी आना है, तो यू रिक्वायर अ वापस एक से वापस से यू रिक्वायर अ प्रोपल्शन, तो एक वहाँ पे थ्रस्ट लगेगा, तो उसका एक बेसिक एक्सपेरिमेंट हमने कर लिया। तो थोड़ा सा विक्रम को उठाकर हमने 40 सेंटीमीटर ऊपर उठा के 40 सेंटीमीटर बाजू में गिरा दिया, तो हमको दैट इज बेसिकली अ टेस्टिंग एक्सपेरिमेंट था, करके देख लिया हमने। तो एक हॉप एक्सपेरिमेंट हुआ, प्रज्ञान मोड जो गया उसको स्लीप मोड पर रख दिया। बाकी चंद्रयान 3 पे डिस्कस्ड इन डिटेल मेनी टाइम्स पढ़ा हमने, कोई दिक्कत ही नहीं उसमें। जीरो ड्राफ्ट ऑफ द ग्लोबल ट्रीटी टू एंड प्लास्टिक पोल्यूशन, ग्लोबल ट्रीटी टू एंड प्लास्टिक पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन को एंड करने के लिए एक जीरो ड्राफ्ट प्रिपेयर किया। जीरो ड्राफ्ट यानी एक बेसिक ड्राफ्ट प्रिपेयर किया, उसको फ्यूचर में दे विल ब्रिंग इट एज अ होलसेल एज एन इंटरनेशनल ट्रीटी। तो फॉर्म किसने किया सबसे पहले, तो ये देखो प्लास्टिक पोल्यूशन को टैकल करने के लिए काम कौन कर रहा है, यूएनईपी, हमें पता है नैरोबी केन्या में इसका हेडक्वार्टर्स है। इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट ऑन प्लास्टिक पोल्यूशन इंक्लूडिंग ऑन मरीन एनवायरमेंट्स विच कुड इंक्लूड बोथ बाइंडिंग एंड वॉलेंट्री अप्रोचेस। तो उसमें वो कुछ बाइंडिंग प्रोविजंस रखेंगे, कुछ वॉलेंट्री प्रोविजंस रखेंगे, तो इस तरह का एक उन्होंने एक ड्राफ्ट बनाया। ड्राफ्ट के प्रोविजंस और इन सब की डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, देन ये आईएनसी, आईएनसी इज नथिंग बट इंटर गवर्नमेंटल निगोशिएटिंग कमेटी। जब भी कोई ट्रीटी डिस्कस होती है, डिबेट होते हैं, उसके अंदर एक इंटर गवर्नमेंटल निगोशिएटिंग कमेटी बनाई जाती है कि अलग अलग कंट्रीज के क्या कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव वहां पर हों और वो बैठ के वहां पर उसको निगोशिएट करें, दे शुड अराइव एट सम काइंड ऑफ कंसेंसस एंड दैट ट्रीटी इज देन ओपन फॉर सिग्नेचर फॉर ऑल द कंट्रीज। मैंडेट टू प्रिपेयर अ जीरो ड्राफ्ट ऑफ ग्लोबल ट्रीटी ऑन प्लास्टिक अहेड ऑफ द नेक्स्ट सेशन इन नैरोबी केन्या। तो अभी वो INC 2 हुआ था पेरिस में, उसके पहले नैरोबी से पहले वो चाहते हैं कि इसको कंप्लीट करें। देन इज एम इज टू कंप्लीट निगोशिएशन बाय द एंड ऑफ 2024, क्रिएट अ ग्लोबल लीगली बाइंडिंग प्लास्टिक ट्रीटी। प्लास्टिक ट्रीटी यानी प्लास्टिक पोल्यूशन को टैकल करने की ट्रीटी। कुसुम रीच आउट टू खुशबू मैम, शेल आंसर योर डाउट। इनिशिएटिव्स बाय इंडिया, बैन ऑन आइडेंटिफाइड, देखो अब हमने पता है कि सिंगल यूज प्लास्टिक्स पे एक बैन इंडिया ने लगा रखा है। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है थ्रू द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजिकल ऑल्टरनेटिव लाइक सीवीड बगासे टू बैन, जो बेसिकली किसके ऑल्टरनेटिव है, ये जो SUP सिंगल यूज प्लास्टिक्स हैं उनके ऑल्टरनेटिव्स हैं। फर्दर एक लाइफ मिशन को प्रमोट कर रहे हैं हम लोग COP 26 में, जिसको सबसे पहले मोदी जी ने लॉन्च किया था। तो इसके अंदर हम लोग बेसिकली ऐसे लाइफस्टाइल को प्रमोट कर रहे हैं दैट इज एनवायरमेंटल फ्रेंडली। अब आ जाते हैं आयुष रिलेटेड कुछ पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम है। एक तो आयुर्विद्या है, इट एम्स टू प्रमोट हेल्दी लाइफस्टाइल थ्रू आयुष। आयुष हमें पता है ट्रेडिशनल मेडिसिन के मेडिसिन के लिए हम लोग ये टर्म यूज करते हैं। फिर एक सुप्रजा है, दिस इज टू प्रोवाइड मैटरनल एंड न्योनेटल इंटरवेंशन। ठीक है, फिर वयोमित्र, तो इससे याद रखना जेरियाट्रिक हेल्थ केयर सर्विसेज। जेरियाट्रिक यानी फॉर ओल्ड एज, जैसे पीडियाट्रिक होता है फॉर चिल्ड्रन। कारुण्य टू प्रोवाइड पेलिएटिव सर्विसेज। पेलिएटिव सर्विसेज की जरूरत किनको होती है, जो कई बार टर्मिनल इलनेस से जूझ रहे हैं बट दे रिक्वायर पेलिएटिव सर्विसेज। 1 ईयर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट चीता, लास्ट ईयर बहुत न्यूज में था प्रोजेक्ट चीता। हमें पता है मध्य प्रदेश में एक नेशनल पार्क है कूनो पालपुर नेशनल पार्क, वहां पर इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया। चीता अभी प्रेजेंटली वहीं पर इंट्रोड्यूस हुए, हम लोग नामीबिया साउथ अफ्रीका इन कंट्रीज से वो टाइगर्स को लेकर आ रहे हैं। इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी कौन सी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। हमें पता है NTCA इज एन अगेन अ स्टैचूटरी बॉडी, कौन से, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की जब हम बात करते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972,
तो 1972 का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसको अमेंड कर हमने एक नया प्रोविजन ऐड किया, विच इज NTCA। तो NTCA ही प्रोजेक्ट टाइगर को भी इम्प्लीमेंट करता है, और क्या कहते हैं चीता, प्रोजेक्ट चीता को भी यही इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। फंडिंग कहाँ से आएगी? तो फंडिंग के लिए कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन का एक फंड होता है, कैंपा फंड जिसको बोलते हैं, देयर इज एन अथॉरिटी दैट मैनेजेस दैट फंड। ठीक है, तो प्रोजेक्ट टाइगर और कैंपा फंड दोनों का फंड्स को यूज कर हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू एड्रेस द फंडिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोजेक्ट। ठीक है, कुछ और वहाँ पर साइट्स आइडेंटिफाई किए हैं, नौरा देही और गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज दोनों एमपी में ही आती हैं। चीता इज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट मैमल, ये आपको पता है, इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ की स्टोन स्पीशीज। की स्टोन स्पीशीज बेसिकली पूरे इकोसिस्टम के लिए सबसे फंडामेंटल स्पीशीज में माना जाता है उनको। तो अगर आप उनको पूरी तरह से एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम से निकाल देते हैं तो इट विल हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द लार्जर इकोसिस्टम ऑफ दैट एंटायर रीजन। तो इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ की स्टोन स्पीशीज और वर्ल्ड फास्टेस्ट मैमल है, ये तो आपको पता ही है। सर प्रोजेक्ट चीता वॉज फंडेड बाय IUCL? नो, देखो एक डिफरेंस समझना, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने बोला हम अपनी CSR फंडिंग का कुछ हिस्सा प्रोजेक्ट चीता को दे देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी फंडिंग वो कर रहे हैं, एक्चुअल फंडिंग जो उसकी आ रही है वो कैंपा अथॉरिटी से आ रही है और बाकी जगहों से आ रही है। दे आर सिंपली गिविंग अ पार्ट ऑफ देयर CSR फंडिंग टू प्रोजेक्ट चीता, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड इज गिविंग अ पार्ट ऑफ देयर CSR फंडिंग टू प्रिजर्वेशन ऑफ चीता इन इंडिया, इसके बियॉन्ड वो और कुछ भी नहीं कर रहे। तो यू कैन नॉट कंसिडर देम एज द एंटिटी दैट इज फंडिंग द एंटायर प्रोजेक्ट चीता। वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर इज कंसिडर्ड एज वर्ल्ड ओजोन डे। हमें पता है कि ओजोन बेसिकली ओजोन हमें मालूम है, इसमें एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था 1985 एंड देन केम अप, सॉरी पहले एक वियना कन्वेंशन था 1985 एंड देन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था 1985, देन देर वॉज अ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वॉज 1987। ठीक है, तो जस्ट अ मिनट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1985, यस करेक्ट, वियना कन्वेंशन 1985 एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987। और यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे थे, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही थी, किसके कारण हो रही थी, ओजोन डिप्लीट इन सब्सटेंसेस के कारण हो रही थी, लेकिन ये कौन से ODS हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो हमने क्या किया, एक ट्रीटी, एक कन्वेंशन बनाया, उस कन्वेंशन के अंदर कमिट किया अलग अलग कंट्रीज ने दैट वी आर गोइंग टू रिड्यूस द यूज ऑफ CFCs एंड HCFCs, और CFC और HCFC के रिड्यूस करा। तो भाई इसको हम लोग, अगर ये मैन मेड केमिकल्स हैं, बोथ ऑफ देम आर मैन मेड केमिकल्स, नेचुरली अवेलेबल नहीं होते हैं ये, तो मैन मेड केमिकल्स ने किसी पर्पज के लिए किया होगा, मेनली रेफ्रिजरेंट्स वगैरह में यूज करते थे। तो हमने क्या किया, इसको रिप्लेस करने के लिए वी केम अप विद अ न्यू काइंड ऑफ केमिकल कॉल HFCs, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। HFCs जो हैं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, ये दीज वर द रिप्लेसमेंट ऑफ CFCs एंड HCFCs, एंड बिकॉज एंड CFCs एंड HCFCs। तो इसके बाद देखो HFCs की अगर हम बात करें तो क्लोरीन एंड ब्रोमीन, ये सब क्या है, ये सारे के सारे, ये दीज आर बेसिकली ODS, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज हैं। अब HFCs को यूज करने के कारण अब क्या हुआ, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस तो हमने रिड्यूस कर दिए, जिसके कारण हमारी ओजोन लेयर अब रिकवर भी होने लग गई है, विच इज अ ग्रेट थिंग। बट द प्रॉब्लम इज द सब्सटेंस दैट वी यूज HFC, दिस टर्न्ड आउट टू बी अ ग्रीन हाउस गैस। अब ग्रीन हाउस गैस से क्या होता है, CO, ग्रीन हाउस गैस बेसिकली क्या करता है, ग्लोबल वार्मिंग करता है, और ग्लोबल वार्मिंग करता है तो ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है, क्लाइमेट चेंज होता है। ठीक है, तो ये एक नई प्रॉब्लम क्रिएट करने लगा, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन स्टार्टेड क्रिएटिंग अ न्यू प्रॉब्लम। ठीक है, तो वी हैड CFCs एंड HCFCs, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, नाउ वी हैव अ न्यू प्रॉब्लम, दैट न्यू प्रॉब्लम वाज ग्रीन हाउस गैस। तो अब क्या किया इन्होंने, उसी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर एक अमेंडमेंट लाया 2016 में, एंड दिस अमेंडमेंट केम टू बी नोन एज किगाली अमेंडमेंट। लुक एट द कोइंसिडेंस, दिस वर्ड किगाली इज कमिंग फॉर द थर्ड टाइम इन दिस वीडियो। तो किगाली अमेंडमेंट ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब किगाली अमेंडमेंट में किसको कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं, कि धीरे धीरे HFCs को भी रिड्यूस करना चाहते हैं, बट इन दिस केस HFC इज अ ग्रीन हाउस गैस, इट इज नॉट एन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। ऑल्दो इट स्टार्टेड एज समथिंग दैट वॉज ट्राइंग टू कंट्रोल ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, बट प्रेजेंटली दिस पर्पस इज सॉल्व, दे हैव अ न्यू पर्पस दैट इज
टू रिड्यूस द यूज ऑफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑफ UNCBD. बेटा दैट इज मॉन्ट्रियल कन्विंग प्रोटोकॉल ऑफ यूएन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी. दैट केम लास्ट ईयर ऑल्सो, वी हैव स्टडीड अबाउट इट इन दिस ईयर एज वेल. तो मॉन्ट्रियल कन्विंग प्रोटोकॉल ऑफ UNCBD और उसके अंदर कुछ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, हमने टारगेट्स भी रखे हुए हैं उसी से रिलेटेड. ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड भी एस्टैब्लिश किया गया था, विच हैज बीन एस्टैब्लिश अंडर ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी GEF. ऑल ऑफ दिस वी हैव स्टडीड इन क्लास, क्लास में ही पढ़ा है हमने पहले, और आप लोगों को वहां पे जो मैंने मंथली राउंड अप्स दे रखे हैं उसमें भी है. नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर में अभी फ्लडिंग चल रही थी, बेसिक्स देख लेते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेवा, आपने गाना सुना होगा मां रेवा. फिर ट्रेडिशंस, ट्रेडिशनल बाउंड्री ऐसा माना जाता है हिस्टोरिकली. अगर आप देखो नर्मदा का पूरा जो कोर्स है उसमें एक तरह से वो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया की बॉर्डर भी बनाता है वो. ठीक है, ओरिजिन कहाँ से, अमरकंटक पीक से, माइकल माउंटेन जहाँ पर आता है, और गल्फ ऑफ खंबत जो कि गुजरात में नीचे की तरफ वो एक एरिया आता है वहां पर जाकर वो ड्रेन होती है. ड्रेन हो रही है, कहाँ पे हो रही है ड्रेन, अरेबियन सी में ड्रेन हो रही है. ठीक है, इट इज वन ऑफ द टू मेजर रिवर्स विच ड्रेन्स इन टू अरेबियन सी. वन इज ऑफकोर्स नर्मदा, द अदर वन इज ताप्ती. अगर दो मेजर नदियों की बात करें जो अरेबियन सी में जाकर ड्रेन होती है, वरना आप देखना गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र सब बे ऑफ बंगाल में जाती हैं, इवन नीचे गोदावरी कृष्णा कावेरी कावेरी ऑल ऑफ देम दे एंटर इन टू बे ऑफ बंगाल. दे वहाँ ड्रेन होती है कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में. लेकिन दो बड़ी नदियां हैं नर्मदा और ताप्ती जो कि उस तरफ अरेबियन सी में जाके ड्रेन होती हैं. ठीक है, डैम्स की अगर हम बात करें, सरदार सरोवर डैम है, ओमकारेश्वर महेश्वर में डैम्स हैं. दिस इज इंपॉर्टेंट, सरदार सरोवर डैम इंपॉर्टेंट है, इसको लेकर पहले भी काफी डिस्प्यूट्स थे. तो दिस इज ऑल अबाउट नर्मदा रिवर, इतना देख लेना, इस ज्यादा इसमें कोई काम की चीज नहीं है. वैनेडियम नाम का एक मेटल होता है, इसको अभी रिसेंटली हम लोगों ने वी हैव फाउंड सेडिमेंट कलेक्टेड फ्रॉम गल्फ ऑफ खंबत. ये जो गल्फ ऑफ खंबत हमने देखा ना अभी नर्मदा वाला, तो मेजर रिजर्व्स ऑफ वैनेडियम आर लोकेटेड इन चाइना और इंडिया में भी अभी रिसेंट. और लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कौन है, अभी ब्राजील है. चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ वैनेडियम. ठीक है, स्टेट ऑफ द राइनो 2023 एक रिपोर्ट लेकर आए, कौन लाए, इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन लाए, तो कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं आपको अलग से. स्टेट ऑफ द राइनो, इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन. एवरी डे वर्ल्ड राइनो डे इज ऑब्जर्व ऑन 22nd of September. ठीक है, एंड इट वॉज फर्स्ट अनाउंस्ड बाय द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड साउथ अफ्रीका इन 2010. ठीक है, WWF करके एक बॉडी है हमें पता है, WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड. ठीक है, उन्होंने साउथ अफ्रीका में सबसे पहले अनाउंस किया था और वर्ल्ड राइनो डे किया 22nd of September. इसमें हमने पता है वाइट राइनो के बारे में पहले भी पढ़ा है, वाइट राइनो के बारे में हमने पढ़ा था व्हेन वी वर स्टडिंग अबाउट राइनो बॉन्ड्स. जनवरी मंथ में हमने कुछ पढ़ा था राइनो बॉन्ड्स, समय हमने व्हाइट राइनो के बारे में पढ़ा है. ग्रेटर वन हॉर्न राइनो, दिस इज समथिंग दैट इज फाउंड इन इंडिया, इंडिया में मिलता है और ज्यादातर ये हमें पता है काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वहां पे इट इज फेमस फेमस फॉर दैट. और ऐसे और टाइप्स होते हैं, दैट इज वन ऑफ दोज टाइप्स इज ब्लैक राइनो, अनदर टाइप इज जावन राइनो, एंड देन यू ऑल्सो हैव समथिंग कॉल्ड सुमात्रन राइनो. ठीक है, तो जावन राइनो, सुमात्रन राइनो, ऐसे अलग अलग टाइप के राइनोज हैं. दे आर बेसिकली सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइनोज देयर. ठीक है, और दैट्स इट, आगे बढ़ते हैं. इसमें कंजर्वेशन एफर्ट्स की बात करें तो ये एक तो राइनो कॉरिडोर बना रखा है आसाम गवर्नमेंट ने. ठीक है, राइनो जो है उनका नंबर्स को बढ़ाना चाहते हैं. तो दीज आर सम ऑफ दी कंजर्वेशन एफर्ट्स. ट्रांसलोकेशन, राइनो ट्रांसलोकेशन टू मानस नेशनल पार्क. काजीरंगा मैंने बताया था भी आसाम में, वैसे ही मानस नेशनल पार्क इज ऑल्सो इन आसाम. दिस रिवर कॉल मानस रिवर, वो जो उसके बीच में से निकलती है, एंड मानस रिवर हैज इट्स ओरिजिन इन भूटान. ठीक, ओसीरिस रेक्स, ओसीरिस रेक्स क्या है, एस्टेरॉइड सैंपल कैप्सूल फ्रॉम एस्टेरॉइड बेन्यू. तो नासा की एक स्कीम है जिसका नाम है ओसीरिस, नॉट स्कीम, इट्स इनिशिएटिव जो इनका बेसिकली मिशन है. ओसीरिस रेक्स लॉन्च हुआ था 2016 में, नासा फर्स्ट मिशन टू कलेक्ट अ सैंपल फ्रॉम नियर अर्थ एस्टेरॉइड कॉल्ड बेन्यू. नियर अर्थ एस्टेरॉइड जो कि अर्थ के पास का एक एस्टेरॉइड है बेन्यू नाम का. एस्ट्रॉइड्स आर रॉकी ऑब्जेक्ट्स दैट ऑर्बिट द सन. हमें पता है एस्ट्रॉइड बेल्ट कहाँ पर होता है, मार्स और जुपिटर के बीच में देयर इज एन एस्ट्रॉइड बेल्ट. बेन्यू इज बेसिकली अ बी टाइप एस्ट्रॉइड, बी स्ट्रॉइड कुछ नहीं, कंटेन सिग्निफिकेंट अमाउंट्स ऑफ कार्बन एंड वेरियस अदर मिनरल्स ऑफ ए. बेन्यू इज फाउंड फर्स्ट 10 मिलियन ईयर्स ऑफ द सोलर सिस्टम क्रिएशन. तो सिंस इट वॉज फॉर्म इन द फर्स्ट 10 मिलियन ईयर्स ऑफ द सोलर सिस्टम क्रिएशन, वहां की जब आप सॉइल कलेक्ट कर कर अर्थ पे लाते हो और अर्थ पे लाकर उसको स्टडी करते हो, यू आर लाइकली टू गेट बेटर आइडिया
ऑफ यू नो द ओरिजिन्स ऑफ सोलार सिस्टम, द ओरिजिन्स ऑफ यूनिवर्स एज वेल. जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1916, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. ठीक है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. हेडक्वार्टर्स इसका कहाँ पर है? कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर्स है, इतना जान लो, इसमें और कुछ नहीं है. फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस ये कहाँ पर फ्लैग हुई है? न्यू दिल्ली में फ्लैग किया. फ्यूल सेल, ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल, ग्रीन हाइड्रोजन हमने पढ़ा है ना पहले भी. ग्रीन हाइड्रोजन इज बेसिकली दैट काइंड ऑफ हाइड्रोजन विच इज डिराइव्ड फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, और विच इज बेसिकली इज अ क्लीन एनर्जी. ठीक है, तो अब हमने पहली बस निकाल दी है, अगर ये सक्सेसफुल होती है तो फ्यूचर में हम ऐसी और ग्रीन हाइड्रोजन बसेस निकाल सकते हैं, विच इज बेसिकली अ क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी. एक्सक्यूज मी. स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रैंकिंग ऑफ 2023. अब कौन सी मिनिस्ट्री है? ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज होगा. यहाँ पर 131 स्टेट सिटीज का वो क्या कर रहा है? एयर क्वालिटी मेजर कर रहा है. दिस इज ऑल्सो समथिंग कॉल्ड प्राणा पोर्टल. ठीक है, प्राणा पोर्टल, प्राणा नाम का एक ऑनलाइन पोर्टल है. ठीक है, मेजर कंपोनेंट्स ऑफ असेसमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, रोड डस्ट मैनेजमेंट. फर्स्ट रैंक सिटी कौन सी है? इंदौर. मिलियन प्लस पॉपुलेशन में इंदौर फर्स्ट पे है. देन यू हैव अमरावती इन 3 to 10, और परमाणु करके एक जगह, तो 3 लाख से कम पॉपुलेशन. ऐसे में दे आर चेकिंग. स्वच्छ वायु, स्वच्छ वायु, स्वच्छ यानी क्लीन, वायु यानी एयर. क्लीन एयर सर्वेक्षण यानी सर्वे, दिस बेसिकली क्लीन एयर सर्वे, दैट्स इट, और कुछ नहीं है इसमें. स्लेमेन एक्सरिज्म, तो ये स्लेमेन एक्सरिज्म सबसे पहले तो ये देखो, जाक्सा, जाक्सा हैज लॉन्च्ड एन H2A रॉकेट कैरिंग द स्लिम मून लैंडर एंड XRISM स्पेस टेलीस्कोप. स्लिम का पर्पस क्या? स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून. तो फर्स्ट एवर सॉफ्ट लूनर लैंडिंग एट शिवली क्रेटर इन अर्ली 2024. तो सॉफ्ट लैंडिंग कोशिश कर रहा है कहाँ पे? पर्टिकुलरली शिवली क्रेटर नाम की एक जगह है मून पे, वहां पर. और एक्सरे इमेजिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी मिशन जो इट इज इन कोलेबोरेशन इन्वॉल्विंग जाक्सा, नासा एंड ESA. इट विल स्टडी द यूनिवर्स इन हाई एनर्जी एक्सरे लाइट. ठीक है, जो हमारी जो विजिबल लाइट होती है उसके बियॉन्ड अलग 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 लाइट्स में जब आप ऑब्जर्व करते हो यूनिवर्स को, यू गेट बेटर इनसाइट्स इनटू व्हाट इज गोइंग ऑन इन द यूनिवर्स. तो एक स्लिम है जो कि सॉफ्ट लूनर, सॉफ्ट लैंडिंग, इसमें SL से समझ में आ जाएगा, सॉफ्ट लैंडिंग का मिशन है. ठीक है, ऑन मून, मून पे सॉफ्ट लैंडिंग का मिशन है. और दिस इज बेसिकली एन एक्सरे टेलीस्कोप, एक्सरे स्पेस टेलीस्कोप. ग्राउंड लेवल ओजोन, अब देखो ओजोन हमने देखा था ना, ओजोन लेयर अगर स्ट्रेटोस्फियर में हो, ठीक है, ओजोन लेयर का स्ट्रेटोस्फियर आसमान में ऊपर की तरफ में, ऊपर की लेयर में हो, नीचे सबसे नीचे ट्रोपोस्फियर होता है, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फियर होता है. तो स्ट्रेटोस्फियर की जो ओजोन लेयर होती है, जो O3 की लेयर होती है, दैट इज अ प्रोटेक्टिव शील्ड जो हमको यूवी रेज से बचाती है. यूवी रेज, हार्मफुल यूवी रेज जो होती हैं उससे वो हमको प्रोटेक्ट करती हैं, दैट इज स्ट्रेटोस्फियर. लेकिन देर इज समथिंग कॉल्ड ग्राउंड लेवल ओजोन, या जिसको हम कहते हैं ट्रोपोस्फेरिक ओजोन. ट्रोपोस्फेरिक ओजोन क्या होता है? दैट कॉजेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. ट्रोपोस्फेरिक ओजोन इज अ काइंड ऑफ एयर पोल्यूटेंट. ठीक है, इट इज अ काइंड ऑफ एयर पोल्यूटेंट. इट इज ऑल्सो कलरलेस सेकेंडरी पोल्यूटेंट दैट फॉर्म्स जस्ट अबव द अर्थ सर्फेस. ठीक है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट इसको बोल रहे हैं. इट कुड प्रोड्यूस व्हेन टू प्राइमरी पोल्यूटेंट नाइट्रोजन ऑक्साइड नॉक्स प्लस VOCs. आई वुड हैव लव टू यू नो थोड़ा और इंटरेक्ट करके सेशन को आगे बढ़ा सकता था, बट अपने को कवर इतना कुछ करना है ना, वी डोंट हैव टाइम फॉर दैट. ठीक है, दो प्राइमरी पोल्यूटेंट, प्राइमरी पोल्यूटेंट यानी जैसे मतलब अगर मैं कह रहा हूँ कि डस्ट पार्टिकल है या स्मोक निकल रहा है कार में से, स्मोक इज द प्राइमरी पोल्यूटेंट, पहला पोल्यूटेंट है जो कि डायरेक्टली एक सोर्स से निकल रहा है. लेकिन मान लो दो तीन प्राइमरी पोल्यूटेंट मिलकर एक नया पोल्यूटेंट बना रहे हैं, तो दैट इज अ सेकेंडरी पोल्यूटेंट. ठीक है, तो नॉक्स और VOCs जो होते हैं वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जब ये सनलाइट वगैरह में रिएक्ट करते हैं तो ये लोग फॉर्म करते हैं क्या? ग्राउंड लेवल पे ओजोन. ठीक है, वरना ग्राउंड लेवल पे नॉर्मली ओजोन ऐसे मिलता भी नहीं है. तो दिस बिकम्स अ मेजर एयर पोल्यूटेंट. स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ही हमने ऑलरेडी देख लिया क्या होता है. दिस इज नॉट हार्मफुल, स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन इज, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन इज हार्मफुल. ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, जल्दी से देख लेते हैं. बेसिकली ये इंडिया का इनिशिएटिव है जो इन्होंने लॉन्च किया G20 के साथ, G20 समिट के साथ लॉन्च किया. और इंडिया का जो ये इनिशिएटिव है,
दिस इज बेसिकली ऑल्सो सपोर्टेड बाय ब्राजील एंड यूएस, और इसमें इन्हीं अर्जेंटीना, ब्राजील, कनाडा, इंडिया, इटली, साउथ अफ्रीका, यूएस, ये कंट्रीज तो हैं ही, इसके अलावा कुछ और कंट्रीज भी एडेड हैं, ठीक है? आप इतने देख लेना, और इसमें मेन ब्राजील, इंडिया, यूएस, इतने देख लेना। तो इसलिए मैं चीज़ों को बोल्ड कर देता हूँ, इतनी कंट्रीज आप याद कर नहीं सकते, करने का कोई पॉइंट भी नहीं है। बट इफ़ यू सिंपली गो थ्रू इट वंस, एक बार नाम वाम भी देख लो ना, अगर गलती से कुछ पूछ लिया तो एटलीस्ट यू विल हैव सम आइडिया, केनिया, गयाना, पैराग्वे, इस तरह की कंट्रीज दिख रही है, तो एटलीस्ट यू विल बी एबल टू एलिमिनेट ऑप्शन। वो एक फ्लीटिंग मेमोरी काम करती है हमारी, एंड हैव फेथ दैट फ्लीटिंग मेमोरी हम सबके पास होती है, ठीक है? सिग्निफिकेंस ऑफ ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, सिग्निफिकेंस ऑफ ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की जब मैं बात करता हूँ, तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस कुछ नहीं है, इसका मेन सिग्निफिकेंस, ओवरऑल सिग्निफिकेंस यही है कि आप उससे ओवरऑल क्या प्रमोट करना चाहते हो, बायोफ्यूल्स एज एन ऑल्टरनेटिव टू द फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स हमें पता है कि इसको वापस, ये एक तो फाइनाइट रिसोर्स है, ऊपर से पोल्यूटिंग रिसोर्स है, बायोफ्यूल एक तरह से ऑलमोस्ट इनफाइनाइट रिसोर्स है, ऊपर से पोल्यूशन भी कम करता है, ठीक है? और इंडिया की अपनी कुछ स्कीम्स है, जीवन योजना है, सतत है, गोवर्धन है, जहां हम सब बायोफ्यूल्स को प्रमोट कर रहे हैं अलग अलग टाइप के, ठीक है? तो दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस। बायोफ्यूल्स हमें पता है, फ्यूल्स डिराइव फ्रॉम बायोमास आर कॉल्ड बायोफ्यूल्स। इसमें मैंने क्लास में आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल समझा रखे हैं ऑलरेडी क्लास में, पहले भी बताया, एक आध वीकली राउंडअप में भी समझा चुका हूँ आपको। सतत नाम की एक स्कीम है टू सेट अप 5,000 बायो सीएनजी प्लांट्स बाय 2023 एंड 24। तो इसका नाम, इसका क्या नाम रखा है, सतत 5,000 बायो सीएनजी प्लांट्स। और गोवर्धन स्कीम इज टू सेटअप न्यू कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स, ठीक है? न्यू कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स, इट इज गोवर्धन स्कीम, गोवर्धन स्कीम, ठीक है? बायोगैस बना रहे हो, ये सारी चीजें हम अल्टीमेटली किस लिए, बायो अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, बायोफ्यूल्स को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक? गोइंग फॉरवर्ड मैं एक बार जल्दी से आपको फिर से बता देता हूँ, पढ़ना क्या है आपको, जनवरी टू अगस्त मंथली राउंडअप्स पढ़ो, नॉट अगस्त सॉरी अक्टूबर, जिसमें कि अगस्त तक का मैंने शेयर कर दिया, सितंबर में अभी रात को शेयर कर दूंगा, एंड एक दो दिन में मैं आपको अक्टूबर भी शेयर कर दूंगा। नवंबर की आई टेक वन मोर क्लास, नवंबर में फर्स्ट टू 15 नवंबर की एक क्लास मैं ले लूंगा जल्दी से आप लोगों की। तो अगर उसमें कुछ नया इनिशिएटिव है, जैसे हमने देखा ग्लोबल एआई समिट वगैरह हुई है, ब्लेचली डिक्लेरेशन, वो सारी चीज़ें विल कवर इन दिस पार्ट, ठीक है? बाकी यहाँ तक की चीज़ें ये आपके पास आ चुका है, पढ़ते जाओ, साथ साथ सेट असाइड अ डे, एक थोड़ा सा दिन अपने पास अलग रखो, 5001 2001, 5001 और 2001 में टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा, बी अ बिट केयरफुल व्हेन यू आर रीडिंग दैट क्वेश्चन। कई बार क्या होता है, जब ये क्वेश्चन फॉर्मुलेट किए गए थे तब वो साल की शुरुआत में उसी टाइम पे कोई और रैंकिंग आई थी, फिर कुछ रैंकिंग चेंज हुई तो नई रैंकिंग आएगी, तो आप अपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, तो आपको वो डाउट नहीं होंगे जो यूजुअली आप लोग डाउट क्लियरिंग ग्रुप पे पूछ लेते हो, ठीक है? और उसके अलावा भी अगर कहीं कुछ डाउट हो तो यू आर ऑलवेज फ्री टू आस्क, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। नीपा वायरस अभी न्यूज में था, कहाँ पे था, केरला में, इट्स अ जूनॉटिक वायरस, जस्ट लाइक कोविड, कोविड वाज आल्सो कंसीडर्ड एज अ जूनॉटिक वायरस। जूनॉटिक का मतलब एनिमल्स टू ह्यूमंस ये ट्रांसमिट होते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, जूनॉटिक वायरस बोलते हैं, ठीक है? इट वॉज फर्स्ट रिकग्नाइज इन 99, कहाँ पर, मलेशिया में। फ्रूट बैट्स ऑफ द फैमिली टेरोपोडिडे एंड जीनस टेरोपस आर द नेचुरल होस्ट ऑफ नीपा वायरस। बैट्स हमें पता है जनरली भी वो, मतलब एक पूरे रिजर्व, एक रिजर्वर ये होता है वो वायरस का, तो एक तरह से उससे बच के भी रहना जरूरी है। नो ट्रीटमेंट और वैक्सीन इज अवेलेबल फॉर निपा वायरस, ठीक है? इट इज मेनी टाइम मोर डेडलियर देन कोविड वायरस। नेवा, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर डेवलप्ड टू मेक ऑल लेजिस्लेटिव बॉडी वर्क एंड डेटा अवेलेबल ऑनलाइन। जितना भी आपका पता है ना विधानसभा और लेजिस्लेटिव वर्क जितना होता है, उसको पूरा का पूरा हम लोग नेवा के अंडर क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन लेकर जा रहे हैं। जैसे कोर्ट का सारा डेटा हम लोग नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रेड के अंदर उसको ऑनलाइन लेकर जा रहे हैं, वैसे पूरा जो लेजिस्लेटिव वर्क होता है उसको भी ऑनलाइन लेकर जा रहे हैं, ताकि पेपरलेस काम हो सके, ठीक है? और एक ही एप्लीकेशन में वन नेशन वन ऐप, यानी अगर मिजोरम के लेजिस्लेटर्स हैं वो भी इसी ऐप को यूज कर रहे होंगे, तमिलनाडु के लेजिस्लेटर्स हैं वो भी इसी ऐप को यूज कर रहे होंगे, गुजरात राजस्थान के लेजिस्लेटर्स भी इसी नेवा ऐप को यूज कर रहे होंगे, ठीक है? फंडिंग कौन कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स कर रहा है। टेक्निकल सपोर्ट ऑब्वियसली मेटी देगा, कौन देगा, मेटी। सिग्निफिकेंस क्या है, ऑटोमेट कर देता है लेजिस्लेटिव प्रोसेस को, ट्रैक कर सकते हो डिसीजन डॉक्यूमेंट, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑल दैट बिकम्स वेरी इजी द मोमेंट यू हैव एवरीथिंग ऑन योर लैपटॉप।
K1218 भी एक्सोप्लैनेट, एक्सोप्लैनेट आर नथिंग बट एनी प्लैनेट दैट इज आउटसाइड द सोलर सिस्टम इज एक्सोप्लैनेट। कोई भी प्लैनेट जो सोलर सिस्टम के बाहर है उसको हम बोल देते हैं एक्सोप्लैनेट। नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, हमें मालूम है, तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने अभी एक और एक एक्सोप्लैनेट पे दे हैव डिस्कवर्ड द प्रेजेंस ऑफ CO2 एंड मीथेन ऑन दैट एक्सोप्लैनेट। CO2 एंड मीथेन भी उन्होंने उनने उनके ऑब्जर्वेशन के हिसाब से उस प्लैनेट पर CO2 और मीथेन भी है। इट इज अराउंड 120 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अर्थ, ठीक है। एंड प्लैनेट्स दैट ऑर्बिट स्टार्स अदर देन आर सन आर कॉल्ड एक्सो प्लैनेट्स। दिस आई ऑलरेडी एक्सप्लेन, जेम्स वेब टेलीस्कोप क्या ये मैंने आपको बता रखा है। एंड इट इज कंसिडर्ड एज दी सेकेंड, मतलब हबल स्पेस टेलीस्कोप था और उससे और एडवांस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हमने देखा हुआ, ठीक है। दोनों ही मिशन US के हैं, नासा के, जेम्स वेब भी और हबल स्पेस टेलीस्कोप भी। मैसेंजर मर्करी सरफेस स्पेस एनवायरनमेंट जियो केमिस्ट्री रेंजिंग इज अ नासा स्पेस क्राफ्ट मिशन डिजाइन टू स्टडी द प्लैनेट मर्करी। एम से याद रखना, इट इज मर्करी, मर्करी की बात कर रहे हैं। और फिर किसका मिशन है ये? नासा का मिशन है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम नासा, जापान, यही वो कंट्रीज होती है। इंडिया के मिशन हमको वैसे ही याद हो जाते हैं, और चाइनीज मिशन होंगे तो उनके नाम ही अलग होते हैं तो समझ में आ जाता है। तो अगर देखोगे आप लार्जली तो देखना यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जापानी स्पेस एजेंसी और नासा। और उसमें भी अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो नासा मारोगे, नासा तो है ही मोस्ट ऑफ द टाइम, 10 10 में से 7 8 मिशन तो नासा के ही चल रहे होते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इसको पढ़ो, रिवाइज करो, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करोगे तो वैसे ही याद हो जाता है। और नहीं भी याद हो रहा है तो यू शुड हैव सम काइंड ऑफ सम अ लिटिल बिट ऑफ रिस्क एपेटाइट इन द एग्जाम। बिना रिस्क के कुछ नहीं होता दुनिया, ठीक है। थोड़ा सा रिस्क एपेटाइट होना चाहिए, उतना रिस्क लेते बनता है तो लो, और लेना भी चाहिए एग्जाम वाले दिन। और उतना रिस्क, इट्स आई से इट्स कैलकुलेटेड रिस्क, जो कि आप अपनी पढ़ाई अपने नॉलेज के बेसिस पर अगर रिस्क ले रहे हो तो दैट इज अ कैलकुलेटेड रिस्क। मतलब आप अगर अंधेरे में तीर चला रहे हो तो दैट इज बेवकूफी, वो नहीं करनी हमको, है ना। हमें रखना है स्मार्ट गेसेस, एजुकेटेड गेसेस, फ्लूक नहीं, नॉट फ्लूक। आई एम नॉट एडवोकेटिंग फ्लूक्स हियर, आई एम एडवोकेटिंग स्मार्ट एंड एजुकेटेड गेसेस, एजुकेटेड गेसेस बेस्ड ऑन इंट्यूशन, एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड। दीज आर द थिंग्स, स्मार्ट गेसेस, एजुकेटेड गेसेस बेस्ड ऑन इंट्यूशन, एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड। ये हमें करना जरूरी है एग्जाम वाले दिन, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। गतिशक्ति विश्वविद्यालय, तो गतिशक्ति विश्वविद्यालय एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने एस्टैब्लिश करी वडोदरा में, गुजरात में। और गतिशक्ति बेसिकली क्या है? इट्स अ मेजर लॉजिस्टिक्स प्रोजेक्ट, मेजर लॉजिस्टिक्स प्रोजेक्ट है, बहुत एक मेजर लॉजिस्टिक्स प्रोजेक्ट है। और इसका मेन पर्पस क्या है इस लॉजिस्टिक्स प्रोजेक्ट का, कि देखो लॉजिस्टिक्स को मल्टीपल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं, मल्टीपल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, इन सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाकर इनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन इंश्योर करना गतिशक्ति प्रोजेक्ट का काम है। और उसी से रिलेटेड उन्होंने गतिशक्ति विश्वविद्यालय भी बना दिया, जो कि प्योरली किस पे काम कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक सेक्टर पे रिसर्च का काम करेगा, ट्रेनिंग का काम करेगा। तो वी हैव डेडिकेटेड यूनिवर्सिटी टू प्रमोट बेटर ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स इन द कंट्री, दैट वी हैव एस्टैब्लिश्ड इन वडोदरा कॉल्ड गतिशक्ति विश्वविद्यालय, स्पॉन्सर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। रेलवेज का एक मेजर हेडक्वार्टर्स है वडोदरा में, ठीक है। तो वहां पे उन्होंने, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने गतिशक्ति विश्वविद्यालय भी एस्टैब्लिश किया है, ठीक। वर्किंग विदाउट बॉर्डर्स द प्रॉमिस एंड पेरिल ऑफ ऑनलाइन गिग वर्कर्स रिपोर्ट। तो ऑनलाइन गिग वर्कर्स हमें पता है, तो ऑनलाइन गिग वर्कर्स में जो इमेज टैगिंग, डेटा एंट्री वगैरह का काम करते हैं वो भी गिग वर्कर्स हैं। तो इन सब के लिए वी आर वर्किंग विदाउट बॉर्डर्स द प्रॉमिस एंड पेरिल ऑफ ऑनलाइन गिग वर्कर रिपोर्ट नाम की एक चीज आई है। इट इज रिलीज बाय वर्ल्ड बैंक। जितना मैंने येलो में किया हुआ है उतना याद करो, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्रोग्रेस ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स द जेंडर स्नैपशॉट 2023 रिलीज बाय यूएन डेसा। यूएन वुमेन एंड यूएन डेसा दो बॉडीज हैं, यूएन वुमेन और दूसरा यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, इनने मिलकर ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स द जेंडर स्नैपशॉट। तो SDG में जो जेंडर वाला एस्पेक्ट है उसको वो देख रहा है। SDG को प्रमोट करना यूएन डेसा का काम है, जेंडर वाला एस्पेक्ट यूएन वुमेन के अंडर आ जाता है, तो वो दोनों वहां पर बहुत लॉजिकली बनता है, ठीक है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम मैंने पहले ही बताया, 2015 की स्कीम है। गोल्ड जो लोग खरीदते हैं जिसके कारण हमारा इंपोर्ट बढ़ता है, अभी धनतेरस वगैरह में भी हम लोग के यहाँ पे रिचुअल्स का पार्ट है, अल्टीमेटली इट इंक्रीजेज आर इम्पोर्ट ऑफ गोल्ड। एंड द प्रॉब्लम इज वी डू नॉट हैव सफिशियंट गोल्ड इन आर ओन कंट्री एंड वी आर इम्पोर्टिंग इट फ्रॉम आउटसाइड। द मोमेंट वी इम्पोर्ट इट फ्रॉम आउटसाइड वी एंड अप पेइंग अ लॉट ऑफ फॉरन एक्सचेंज रिजर्व फॉर इट, US डॉलर्स हमको वो पे करने पड़ते हैं। इट इज अ कॉस्ट टू द नेशन एज वेल। तो टू रिड्यूस दैट कॉस्ट टू द नेशन,
एक बॉन्ड इशू किया रिजर्व बैंक ने ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, और यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स बेच रहे हैं। कहाँ, पीरियड टेन्योर उसका कितना बता रहा है, 8 ईयर्स है। 5वें साल के बाद आपके पास एक प्री मेच्योर रिडेम्पशन, यानी आप उसके पहले भी उस पर उसको बाहर रिडीम कर सकते हो। मिनिमम इन्वेस्टमेंट वो कह रहा है कि आपको कम से कम 1 ग्राम सोना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मैक्सिमम लिमिट भी है 4 kg इंडिविजुअल्स के लिए और 20 kg फॉर कोई ट्रस्ट अगर है, तो ट्रस्ट वगैरह एस्टैब्लिश है तो उनके लिए 20 kg तक का भी अलाउंस है। बट मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए, 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। क्रूड ऑयल बेंचमार्क्स, देखो इसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना, देर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्रूड ऑयल्स और उनकी क्वालिटी में भी डिफरेंस होता है और उनकी प्राइसिंग जो होती है इंटरनेशनल मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में फ्यूचर्स में डील किया जाता है। फ्यूचर्स में यानी दे प्रेजेंट में बैठ कर दे डील कि वहाँ पे आगे 6 महीने बाद वी विल बाय दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट एट अ सर्टन प्राइस। तो वो सारी जो डील्स होती हैं उसमें देर आर 3-4 टाइप्स ऑफ बेंचमार्क्स। तो क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस होते हैं, एक तो होता है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट और एक होता है ब्रेंट क्रूड, ठीक है। इसमें अगर मैं बात करूं जो ओपेक कंट्रीज हमें पता है ना, दे कंसिडर्ड ब्रेंट क्रूड ऑयल जो होता है, ब्रेंट क्रूड एक बेंचमार्क है, ब्रेंट क्रूड के बेंचमार्क के बेसिस पे ओपेक कंट्रीज प्राइस डिसाइड करती हैं ऑयल का, और वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट विच इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑयल, डिफरेंट क्वालिटी ऑफ ऑयल, इसके बेसिस पे जो यूएस का जो ऑयल मार्केट है, यूएस का अपना एक ऑयल मार्केट, इनफैक्ट यूएस ऑल्सो वन ऑफ द यू नो बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ ऑयल, ठीक है। तो यूएस का अपना एक ऑयल मार्केट है, वो वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट यानी WTI क्रूड को रिफर करता है, और सच क्रूड इज लाइटर। देखो अब WTI इज द बेंचमार्क फॉर द यूएस ऑयल मार्केट एंड सोर्स फ्रॉम द यूएस ऑयल फील्ड्स, एंड द WTI जो इट इज लाइटर एंड स्वीटर देन द ब्रेंट ड्यू टू लोअर अमाउंट ऑफ सल्फर। तो WTI जो है इसको स्वीटर बोला जाता है, स्वीटर यानी ब्रेंट क्रूड से स्वीटर बोला जाता है। स्वीटर का मतलब होता है कि सल्फर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो उसमें कम होता है, किसमें, WTI में कम होता है, ठीक है। प्लाच डुबई एंड ओमान इज द थर्ड मेजर बेंचमार्क, ऑल्दो दिस इज नॉट यूज्ड अ लॉट, बहुत ज्यादा यूज नहीं होता। मेन जो दुनिया के, एक तो ये है और दूसरा ये है, इसमें भी ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह के कुछ बेंचमार्क्स हैं, फ्यूचर्स की ट्रेडिंग होती है, उसके बाद वो ऑयल की प्राइस डिटरमिन होती है। इंडिया के लिए ब्रेंट क्रूड इंपॉर्टेंट बिकॉज हम लोग मोस्टली जो ऑयल प्रोक्योर करते हैं वो ओपेक कंट्रीज से भी प्रोक्योर कर रहे होते हैं, तो इसलिए अगेन इसमें बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। दो चार पांच नाम मैंने बताए हैं आपको, बस ये नाम देख लेना, इससे ज्यादा दिमाग मत लगाना यहाँ पर, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो यूज्ड बेंचमार्क है क्रूड ऑयल का, वो दैट इज ब्रेंट क्रूड, ब्रेंट क्रूड सबसे ज्यादा यूज्ड है। फिर है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, और थर्ड पे आता है आपका प्लाच डुबई एंड ओमान। भारत बिल पेमेंट सिस्टम BBPS नाम का, अलाउ क्रॉस बॉर्डर बिल पेमेंट्स वाया BBPS फॉर NRIs इन UK। BBP इज ऑलरेडी अवेलेबल टू NRIs लिविंग इन ओमान, कुवैत। ये जो भारत बिल पेमेंट सिस्टम है, भारत बिल पेमेंट सिस्टम कुछ नहीं, यूनिफाइड सिस्टम है, यूनिफाइड ऐप है, जहां पर जाके आप दुनिया भर के जितने भी पेमेंट्स हैं आपके, जितने भी बिल हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल रिचार्ज करवाना है आपको, आपको अपना LPG का बिल देना है, आपको अपने DTH का बिल पे करना है, वो सब कुछ आप एक सिंपल सिंपल एक सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम के थ्रू पे कर सकते हो। जैसे देखो ये कैल का फास्टैग वास्टैग सब रिचार्ज कर सकते हो वहाँ एक जगह पे बैठ के। इट वॉज लॉन्च्ड बाय नेशनल पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया, NPCI। NPCI ने इसको लॉन्च किया। NPCI क्या है, इट इज ओन्ड बाय कंसोर्शियम ऑफ बैंक्स एम्ड एट क्रिएटिंग रोबस्ट पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम एंड ऑल्सो लॉन्च UPI, ठीक है। इसी ने NPCI का ही इनिशिएटिव क्या है, UPI। NPCI का ही इनिशिएटिव क्या है, भारत बिल पेमेंट सिस्टम, ठीक है। अब यहां पर देखना G20 एंड OECD कंट्रीज, OECD हमें पता है ना, हाई इनकम या हाई GDP वाली कंट्रीज या GDP पर कैपिटा वाली कंट्रीज, और हाई सोशल इंडिकेटर्स वाली कंट्री है, जिसको हम कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडाइस में जो ऊपर की कंट्रीज हैं, उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है OECD, जिसमें इंडिया इज नॉट अ पार्ट। और G20 एक हमें पता है ऑलरेडी, तो G20 और OECD के कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस हैं, ठीक है, जो कि रिसेंटली G20 समिट में इन्होंने एंडोर्स किए हैं फिर से। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सिंपल सा मतलब है, कॉर्पोरेट्स, हमें पता है ना दुनिया भर के जो स्कैम्स होते हैं, जो व्हाइट कॉलर स्कैम्स वगैरह है, वो कई बार इसलिए होता है क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो अच्छा नहीं होता है कई कंट्रीज में, ठीक है। तो वहां पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस को और अच्छा करना जरूरी है, और इट हेल्प कंपनी नेविगेट द चेंजिंग कैपिटल मार्केट वाइल प्रमोटिंग मार्केट कॉन्फिडेंस एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा होना जरूरी है, क्योंकि अगर कंपनीज इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं या ऐसी जगह पे इन्वॉल्व हैं जिसके कारण कई कई बार पूरी पूरी कंट्री की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी स्टेक पर होती है, ठीक है,
तो मार्केट का कॉन्फिडेंस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इन सबको इंश्योर करने के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस हर कंट्री में अच्छा होना जरूरी है। और उसके भी कुछ बेसिक प्रिंसिपल G20 और OECD कंट्रीज ने एस्टैब्लिश कर रखे हैं, जो कि अभी रिसेंट के G20 समिट में एंडोर्स किया था। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से एक उदय कोटक कमिटी याद रखना, विच वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेबी एंड इज रिलेटेड टू द सेम थिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, दैट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ग्रामोद्योग विकास योजना, ग्रामोद्योग विकास योजना, नाउ दिस इज एमएसएमई, किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। ग्राम उद्योग, ग्राम यानी विलेज, उद्योग तो विलेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट कर रहा है वो। तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन नाम की, केवीआईसी नाम की एक स्टैच्यूटरी बॉडी और आती है, दैट इज ऑल्सो अंडर एमएसएमई। तो एमएसएमई ने लॉन्च किया और उसके अंदर एक बॉडी आती है एमएसएमई के अंदर, जिसका नाम है केवीआईसी, जो कि इस ग्राम उद्योग विकास योजना पे काम कर रहा है। नाम से क्या बोल रहा है, ग्राम उद्योग विकास योजना, डेवलपमेंट ऑफ विलेज इंडस्ट्रीज। तो नाम से आधी आधी स्कीम तो आप वैसे ही वहीं पे डिसाइफर कर सकते हो, कोई मतलब जानने की भी जरूरत नहीं पहले से कि उसके अंदर क्या बात कर रहा होगा। अब ध्यान से देखो क्या क्या है ऑब्जेक्टिव, प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ विलेज इंडस्ट्रीज। इसका ये यहीं पे बता दो आप, मतलब आपको नीचे ऑब्जेक्टिव पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। अदर कंपोनेंट्स क्या है, खादी विकास योजना, खादी ग्रांट। अब वो विकास योजना, विकास करने के कुछ 100 तरीके ढूंढ लिए होंगे, खादी ग्रांट यानी कुछ पैसे दोगे जिसके आप खादी, पर्टिकुलरली खादी को प्रमोट कर सको, ठीक है। एक्टिविटीज इंक्लूड वेलनेस, कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्रीज, हैंडमेड पेपर्स, ये सारी चीजों को हम प्रमोट कर रहे हैं वहां पर। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, आई हैव डिस्कस्ड दिस इन क्लास, हमारे पास और भी बहुत सारी स्लाइड्स हैं, इसको बहुत जल्दी से खत्म करेंगे। इसका मेन पर्पस क्या है, इट रिफर्स टू द पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक विद रिगार्ड टू द यूज ऑफ मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स। व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी, मैंने बताया था सेंट्रल बैंक की पॉलिसी इज मॉनेटरी पॉलिसी विच कंट्रोल्स द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, एंड देयर इज फिस्कल पॉलिसी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर आती है। तो सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई जो लाता है वो है मॉनेटरी पॉलिसी, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर आती है दैट इज कॉल्ड एज फिस्कल पॉलिसी। देन यू हैव समथिंग ऑल दैट द अमेंडेड आरबीआई एक्ट ऑफ 99 ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर इन्फ्लेशन टारगेट। तो आरबीआई एक्ट को अमेंड करके एक नई चीज लेकर आए जिसका नाम था मॉनेटरी पॉलिसी एक्ट, और इसी के अंदर एक और चीज लेकर आए इन्फ्लेशन टारगेट जो कि सेट किया गया है 4 ± 2% पे, ठीक है। और इसको फ्रीक्वेंटली आरबीआई के कंसल्टेशन में, इसको फ्रीक्वेंटली आरबीआई के कंसल्टेशन के साथ इसको बढ़ाया या घटाया जा सकता है वंस इन एवरी 5 ईयर्स। एमपीसी कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर्स, आरबीआई गवर्नर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन, डिप्टी गवर्नर इन चार्ज ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कौन होता है, डिप्टी गवर्नर जनरल भी उसका पार्ट होता है। देखो 6 लोग हैं, इसमें से 3 लोग आरबीआई के होते हैं और 3 लोग होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अपॉइंटेड लोग होते हैं, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, 3 पर्सन हुआ अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑफ बजट बोरोइंग्स, ठीक है, ऑफ बजट बोरोइंग्स की जब हम बात करते हैं, अच्छा यहाँ पर जो डिसीजन मेकिंग है, तीन और तीन हो सकता है, देर इज अ क्लैश। तो ऐसे क्लैश होने पे आरबीआई गवर्नर हु इज द चेयरमैन ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉडी, ही हैज द कास्टिंग वोट, कास्टिंग वोट इज विद द आरबीआई गवर्नर। ऑफ बजट बोरोइंग्स, देखो एक चीज याद रखना, ऑफ बजट बोरोइंग्स को समझने के लिए कोशिश करना, जब भी गवर्नमेंट कुछ लोन लेती है, गवर्नमेंट कोई भी ट्रांजैक्शन करती है, किसी से पैसा लिया, किसी को पैसा दिया, ये सारे के सारे ट्रांजैक्शंस हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, अपने बजट में। बजट में दो ही चीजें होती हैं, कितना पैसा आया इनकम और कितना पैसा गया एक्सपेंडिचर। अब क्या एक नया कॉन्सेप्ट है ऑफ बजट बोरोइंग, तो कई बार क्या होता है, देखो हमें पता है ना गवर्नमेंट के कई सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, या कुछ बॉडीज हैं जो गवर्नमेंट के अंडर आती हैं, जैसे मान लो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, एक अलग से एक लीगल एंटिटी बना रखी है, बट ये एसेंशियली आती किसके अंदर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, ठीक है। लेकिन ये जब लोन लेती है ना, तो इसका जो लोन है वो इसके अकाउंट्स में दिखता है, लेकिन वो बजट में नहीं दिखता, देश के बजट में, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टली लोन नहीं ले रहा है, लेकिन एफसीआई लोन ले रहा है। तो एफसीआई लोन ले रहा है तो इसको क्या कर रहा है, बजट में नहीं आने के कारण, बजट में ना आने के कारण क्या हो रहा है, इट इज ऑफ बजट बोरोइंग, कि बजट में नहीं है, बजट के बाहर है, हेंस इट इज एन ऑफ बजट बोरोइंग, ठीक। ऑफ बजट बोरोइंग रेफर्स टू बोरोइंग दैट आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन द बजट, इवन दो बजटरी रिसोर्सेज विल हैव टू बी यूज्ड फॉर देयर रीपेमेंट।
यानी आगे जाके देना सरकार को ये लोन, एफसीआई भी लोन दे रहा है तो भी कहीं ना कहीं सरकार एफसीआई को पैसा देती है जिससे एफसीआई चलती, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे अकाउंट में दिख नहीं रहा होता। और वो ऑफ बजट बोरोइंग इसलिए बोला जाता है कि आपने लोन तो छुपा दिया एक तरह से, लेकिन लोन लिया जरूर है, तो दैट इज ऑफ बजट बोरोइंग। ऑफ बजट बोरोइंग को एक तरह से बोला जाता है कि उसको ओवर अ पीरियड टाइम कम करना चाहिए, क्योंकि तो वो एक्चुअल लोन जो सरकार का उसको कई बार हाइड कर देता है। आप फिस्कल डेफिसिट की बात करते हो, सरकार दिखाती है हमारा फिस्कल डेफिसिट दिखता है, लेकिन वो जो ऑफ बजट बोरोइंग है वो तो उसमें दिख भी नहीं रही है। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट की बजटिंग प्रोसेस होती है उसमें ये चीजें छुप जाती हैं, क्योंकि आपने एक अलग से एक एंटिटी बनाई है वो लोन ले रहा है, अल्टीमेटली उस सारे लोन का जो लाइबिलिटी है वो तो आएगी गवर्नमेंट के ऊपर। तो इट इज नॉट पार्ट ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ द फिस्कल इंडिकेटर डिस्पाइट फिस्कल इंप्लीकेशंस, एंड ओबीडीज आर टेकन नॉट बाय द गवर्नमेंट डायरेक्टली बट बाय अनदर पब्लिक इंस्टीट्यूशन ऑन इट्स डायरेक्शन। ये समझो, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लोन बाय एफ सी आई फॉर पेइंग फूड सब्सिडी बिल, तो एफ सी आई जब फूड सब्सिडी बिल फूड कर रहा होता है तो वो कई बार अलग से लोन लेता है, तो वो अलग से जो लोन ले रहा है वो बजट पे दिख भी नहीं रहा, लेकिन है तो अल्टीमेटली देश का लोन। ठीक है, और क्यों करते हैं ऑफ बजट बोरिंग, ताकि फिस्कल डेफिसिट टारगेट्स को बाईपास कर रखे। हमने एक एफ आर बी एम एक्ट पढ़ा था, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजटरी मैनेजमेंट एक्ट, तो एफ आर बी एम एक्ट के अंदर जो फिस्कल डेफिसिट टारगेट्स थे तो बाईपास करने के लिए, उन फिस्कल डेफिसिट टारगेट्स को बाईपास करने का ऑफ बजट बोरिंग इज वन ऑफ द वेज। इट अवॉइड्स बोरोइंग लिमिट्स, अवॉइड बोरोइंग लिमिट्स अंडर आर्टिकल 293 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसके अंदर 293 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ ऑब्लिगेशन हैं, वो भी उसको भी आप अवॉइड कर सकते हो अगर आप ऑफ बजट बोरोइंग्स करते हो तो। अवॉइड डिले इन सेंट्रल ग्रांट्स और रिडक्शन इन अदर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, यानी आपको वो सेंट्रल से परमिशन लेना पड़े, सेंट्रल की ग्रांट लेना पड़े, ये सारी चीज़ों से बेटर है आप बाहर से लोन उठा लो। अल्टीमेटली इट इज इंक्रीजिंग योर लाइबिलिटीज एंड आर नॉट बींग नॉट गेटिंग शोड ऑन द एक्चुअल बजट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इंडियन पोस्ट पेमेंट, सबसे पहले ये देखो, नचिकेत मोर कमेटी रिकमेंडेड सेटअप पेमेंट बैंक्स टू केटर लोअर इनकम ग्रुप्स एंड स्मॉल बिजनेसेस। छोटे लेवल के जो ट्रांजैक्शंस और पेमेंट्स होते हैं उसके लिए स्पेसिफिकली एक पेमेंट बैंक बना दो। पेमेंट बैंक, बैंक में सिर्फ पेमेंट्स नहीं होते, देखो बैंक के कुछ बेसिक पर्पज समझना। आपके अकाउंट में आपके पेरेंट्स ने कुछ पैसा ट्रांसफर किया, दैट इज ऑल्सो बैंकिंग ट्रांजेक्शन, एक आपके अकाउंट में कुछ पैसा आया। बैंक से लोग लोन भी लेते हैं, बैंक में लोग पैसा अपना सेविंग्स डिपॉजिट भी करते हैं, तो ये सारा चीज़ें भी वहीं बैंक के थ्रू हो रही है। तो पेमेंट्स बैंक का काम है, वहां पे पेमेंट्स बैंक सिंपली डिपॉजिट्स लेता है और एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में उसको ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, उसके बीच में डेट एक चार्ज सम ट्रांजेक्शन कॉस्ट, उतना ही उस पर उनका काम चलता है। दे आर नॉट अलाउड, लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, दे आर नॉट अलाउड टू गिव आउट लोन्स, उनको लोन देना अलाउड नहीं होता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज पेमेंट बैंक। तो नचिकेत मोर कमेटी नाम की एक चीज हुआ करती थी, विच हैज रिकमेंडेड टू सेट अप पेमेंट्स बैंक टू केटर लोअर इनकम ग्रुप्स एंड स्मॉल बिजनेसेस। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक इज एस्टैब्लिश्ड अंडर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन विद इक्विटी ओन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दे कैन एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ अप टू रुपीज सर्टन एक अमाउंट तक, मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2 to 5 lakh तक का कुछ अमाउंट होता है। मोबाइल पेमेंट पर अदर सर्विसेज एटीएम डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग ये सब कर सकता है वो, बट दे कांट एक्सेप्ट जो लॉन्ग टर्म्स होते हैं ना, फिक्स डिपॉजिट्स नहीं रख सकते, टर्म डिपॉजिट जिसको एक तरह फिक्स डिपॉजिट ऑल्सो काइंड ऑफ टर्म डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट्स नहीं रख सकते, एनी एनआरआई डिपॉजिट नहीं रख सकते, दे कैन नॉट एडवांस लोन्स और इशू क्रेडिट कार्ड्स। तो इंडिया पे पोस्ट पेमेंट बैंक नाम की एक चीज है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर एस्टैब्लिश करी गई है। दूसरी चीज, इस तरह के पेमेंट बैंक्स होने चाहिए, नचिकेत मोर कमिटी ने रिकमेंड किया था। आपको पता है इंडिया पोस्ट, जैसे पोस्ट आपको जनरली भी सोच के देखना, जो अपने पोस्ट मास्टर वगैरह हैं इनका काम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे इंटरनेट और ये सारी चीजें आ रही हैं उसके धीरे धीरे इनकी इंपॉर्टेंस कम होते जा रही है। लोगों ने चिट्ठियां लिखना कब से बंद कर दिया, कुरियर वुरियर थोड़े बहुत चलते हैं वो तो चलते हैं वो ठीक है, उसकी जगह वो इंडिया पोस्ट काम करता है, बट उसमें भी प्राइवेट सेक्टर हैज गॉटन इन्वॉल्व। तो इंडिया पोस्ट की रेलेवेंस कहाँ से आती है? ऐसे में नचिकेत मोर कमेटी कहती है कि पेमेंट्स बैंक आपको बनाना चाहिए ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन हो। तो गवर्नमेंट ने बोला कि यार पेमेंट बैंक बनाना है तो क्यों ना हम अपने ही इतना बड़ा जो नेटवर्क बना रखा है, क्योंकि आपका पुराना नेटवर्क है जो कि एकदम विलेज एरिया में, वहां पे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नागालैंड, मिजोरम, वहां के विलेज रिमोटेस्ट एरिया में भी वहां पे पोस्ट मास्टर तो पहुंच जाता है, पोस्टमैन तो पहुंच जाता है चिट्ठी लेके मनी ऑर्डर लेकर। तो ये जो बहुत रिमोट एरिया पे व्यक्ति काम कर रहा है वो क्या कर रहा है बेसिकली, इज ऑल्सो इज एस्टैब्लिंग समथिंग, वो वहां पर आप धीरे धीरे इसका काम तो रिड्यूस होता जा रहा है,
लेकिन आपका नेटवर्क एस्टैब्लिश्ड है, तो यू यूजिंग द सेम नेटवर्क फॉर एज अ पेमेंट बैंक। तो आपने एग्जिस्टिंग नेटवर्क को यूज कर लिया और उस तरह से इंडिया पोस्ट, जो कि धीरे धीरे इररिलेवेंट हो रहा था, उसको वापस से रेलिवेंट बना लिया विद द हेल्प ऑफ मेकिंग इट अ पेमेंट्स बैंक। ठीक है, यूपीआई क्यूआर कोड, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इंटरऑपरेबिलिटी, एक सीबीडीसी नाम की एक चीज आ रही है। सीबीडीसी विल बी अ रिटेल, रिटेल लेवल पे भी होगा, यानी आप और हम जिस लेवल पे ट्रांजैक्शन करते हैं, और होलसेल लेवल पे भी सीबीडीसी विल बी यूज बाय द बैंक्स, यानी जो बड़े स्केल पे जो ट्रांजैक्शंस होते हैं जिसमें बैंक्स इन्वॉल्व होते हैं। तो रिटेल और होलसेल दोनों ही लेवल पे विल हैव समथिंग कॉल्ड सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो ये जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आ रही है सीबीडीसी, रिटेल डिजिटल रूपी ईआर, फ्यू बैंक, स्टेट ऑफ बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, येस बैंक हैव इंट्रोड्यूस यूपीआई इंटरऑपरेबिलिटी ऑन देयर डिजिटल रूपी एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये वो इंटरऑपरेबिलिटी उन्होंने रिसेंटली अलाउ कर दी है कि यूपीआई क्यूआर कोड और फिर सीबीडीसी के, आप यूपीआई के थ्रू अपने क्यूआर कोड का, यूपीआई के थ्रू आप अपने सीबीडीसी अकाउंट में पैसा लेते हो, तो या क्यूआर कोड दिखाकर अपने सीबीडीसी अकाउंट में पैसा ले सकते हो। तो ये इंटरऑपरेबिलिटी कुछ बैंक्स ने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दी थी। ठीक है, फर्दर इससे फायदा क्या है कि जितने भी एप्स हैं, जितने भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के एप्स हैं, इनके बीच में एक सीमलेस ट्रांजेक्शन आप इंश्योर कर सकते हो बिटवीन अ कस्टमर एंड अ मर्चेंट विदाउट हैविंग द नीड टू स्विच बिटवीन मल्टीपल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। तो आपने एक ही ऐप में जाकर आप इधर से उधर पैसा अपना घुमा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको आपको अपने वॉलेट में रखना है सीबीडीसी पे, तो आप वहां पे रख सकते हो। आपको अपने यूपीआई में बैंक से कनेक्टेड रखना है, तो आप वहां रख सकते हो। दिस ऑल ऑफ दैट कैन बी डन बाय दिस पर्टिकुलर इंटर ऑपरेबिलिटी। तो सीबीडीसी एक देख लो, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, नाम में लिखा सेंट्रल बैंक, तो सेंट्रल बैंक यानी इंडिया के आरबीआई ने लॉन्च किया। ये दो तरह के हैं, एक तो रिटेल टाइप का जो कि आप और हम यूज करते हैं, और एक होलसेल टाइप का। यूपीआई एटीएम, अब यहां पर एक कंपनी है जिसका नाम है हिताची पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड। ठीक है, विच इज बेसिकली अ वाइट लेवल एटीएम। हिताची पेमेंट सर्विसेज ने अनवेल किया है इंडिया का पहला यूपीआई इंटरफेस का एटीएम। यानी आप वहां जाओ, अपनी यूपीआई आईडी और उसके पासवर्ड वगैरह पिन डालकर आप डायरेक्ट पैसा निकाल सकते हो। आपको लो हाथ में डेबिट कार्ड की जरूरत ही नहीं है, बिना डेबिट कार्ड के आप यूपीआई के थ्रू पैसा विड्रॉ कर सकते हो वहां से। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट फर्स्ट एवर यूपीआई इंटरफेस का एटीएम। वाइट लेवल एटीएम क्या होता है, डब्ल्यूएलए क्या होता है, आप ये देख लो। वाइट लेवल एटीएम का सिंपल सा मतलब है, देखो वाइट लेवल एटीएम होता है कि नॉर्मल जो एटीएम होता है, आपने देखा होगा कि जहां पे एसबीआई लिखा रहता है या एचडीएफसी लिखा रहता है, तो ये दीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय एचडीएफसी बैंक एंड एसबीआई बैंक रिस्पेक्टिवली। व्हाइट लेवल एटीएम्स में क्या होता है, जैसे मान लो हिताची है, इनने वो एक सेटअप लाके रख दिया, वो मशीन मशीन वहां पे सेटअप कर दी है। ठीक है, दे हैव एक्सेस टू द डेटा, तो आप वहां पे अपना कार्ड इंसर्ट करो और वहां से कैश निकाल सकते हो। वहां पे नाम किसका लिखा होगा, लेबल किसका लगा होगा बाहर, हिताची का लेबल लगा होगा। ठीक है, तो इन एसोसिएशन विद, ये व्हाइट लेवल एटीएम सेटअप एज अ व्हाइट लेवल एटीएम एसोसिएशन विद एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का अल्टीमेटली वर्क क्या है, टू प्रमोट डिजिटल पेमेंट्स इन द कंट्री, प्रमोट पेमेंट्स इन द कंट्री, बट पेमेंट्स भी इवेंचुअली हमें पता है कि डिजिटल पेमेंट्स को प्रमोट कर रहे हैं। तो आपके पास अब वो एक और तरीका आ गया कि आप बैंक में, आपको सपोज यू आर नॉट कैरिंग योर कार्ड विथ यू, बट स्टिल का कार्ड नहीं भी मिल रहा है ना, तो भी आप आराम से उसको ले सकते हो। हाउ विल आई गेट दिस पीपीटी, इसकी पीपीटी कहाँ मिलेगी? लुक गाइज, यू कैन रीच आउट टू द ऑफिशियल नंबर ऑफ वेदिकी, वहां पे आप खुशबू मैम से बात कर सकते हो, शील हेल्प यू विद दैट, शील हेल्प यू विद दैट, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 9039799000, तो शील हेल्प यू विद दैट। यू पी आई ए टी एम विल प्रोवाइड कस्टमर्स विद यूनिफाइड एंड सिक्योर कार्डलेस कैश विड्रॉल्स। यू पी आई ए टी एम क्या है, यूनिफाइड एंड सिक्योर कार्डलेस कैश विड्रॉल्स आपको हेल्प कर रहा है। ठीक है, इट अलाउज यूजर्स टू विड्रॉ कैश फ्रॉम मल्टीपल अकाउंट्स यूजिंग द यू पी आई ऐप। एनपीसीआई और एनएफसी, इसलिए एनपीसीआई देख लेते हैं हम लोग, ये यहां पर है नहीं। एनपीसीआई इज इनिशिएटिव ऑफ आरबीआई एंड इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। आरबीआई और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, इन दोनों ने मिलकर बनाया है एनपीसीआई। और ये आप देखते हो ना, रुपे कार्ड, आईएमपीएस, यूपीआई, भीम आधार, भारत बिल पेमेंट सिस्टम, ये सारी चीजें किसका है, ये सबके सब किसने बनाया है, सारी चीजें क्या बनाई है, एनपीसीआई ने। एनएफसी होता है बेसिकली नियर फील्ड कम्युनिकेशन, इज अ शॉर्ट रेंज वायरलेस कनेक्टिविटी दैट ट्रांसमिट्स डेटा थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो फील्ड टू एनेबल टू डिवाइसेस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। आपने देखा होगा वो टैप करने से यू कैन पेमेंट्स, क्रेडिट कार्ड पेमेंट या डेबिट कार्ड पेमेंट्स हो जाते हैं,
दैट इज कॉल्ड एज नियर फील्ड कम्युनिकेशन, दैट इज एनएफसी. द एनएफसी इज अ डिफरेंट थिंग, इट इज नॉट इवन रिलेटेड टू दिस डायरेक्टली. एनपीसीआई एक एंटिटी है जो अलग अलग पेमेंट के मेथडोलॉजीज मेथड्स लेकर आती है, और नियर फील्ड कम्युनिकेशन इज अ टेक्नोलॉजी दैट यू नो मेक्स इट इजियर फॉर अस टू ट्रांजैक्ट. कि आपको वहाँ जाओगे वो कार्ड को स्वाइप करेगा, पिन डालेगा, उससे अच्छा वहाँ पे एक सर्टेन लिमिट तक यू कैन सिंपली यू नो पुट योर कार्ड, एक टैप कर दो, टैप से वो सारा पेमेंट हो जाता है. यू डोंट हैव टू एंटर द पिन एज वेल. यूरोपियन यूनियन अभी रिसेंटली कुछ डिजिटल मार्केट प्रमोट कर रहा है, सॉरी डिजिटल प्रोटेक्शन एक्ट लेकर आया. उस डिजिटल प्रोटेक्शन एक्ट में दे हैव यूज्ड अ वर्ड कॉल्ड गेट कीपर्स. ठीक है, तो गेट कीपर्स में उन्होंने किसको नाम किया, बिग टेक कंपनीज नहीं होती, एप्पल, अमेजोन, अल्फाबेट. अल्फाबेट इज नथिंग बट गूगल, बाइट डांस, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, इन सबको उसने बोला है दे आर द गेट कीपर्स. ठीक है, और गेट कीपर्स आर द कंपनीज टू फेस द हाइएस्ट लेवल ऑफ स्क्रूटनी अंडर द डिजिटल मार्केट्स एक्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन. तो यूरोपियन यूनियन के डिजिटल मार्केट्स एक्ट, डिजिटल प्रोटेक्शन एक्ट, इन सब में सबसे ज्यादा अगर स्क्रूटनी किसी चीज की होने वाली है तो वो होगी गेट कीपर्स की. और गेट कीपर्स कौन है, ये बिग टेक कंपनीज जिनके नाम यहाँ पर सामने लिख रखे हैं. ठीक है, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पोजीशन, कैसे डिसाइड करोगे गेट कीपर है कि नहीं. लार्ज यूजर बेस, बहुत बड़ा यूजर बेस हो. डीएमए एम्स टू एड्रेस द डिजिटल मार्केट इम्बैलेंसेज इन द ईयू एंड इज एप्लीकेबल ओनली टू प्रोवाइडर्स ऑफ कोर प्लेटफॉर्म सर्विसेज. ठीक है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, रोम इटली, यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर्स है, एस्टैब्लिश्ड इन 67. फूड असिस्टेंस ब्रांच है किसकी, यूएन की. ठीक है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन इसको बोला जाता है, और फिर ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस और एफएओ वगैरह के साथ ही क्लोजली काम करता है. इंडिया इंक्लूजन इन द जेपी मॉर्गन जीबीआईईएम इंडेक्स. जीबीआई देखो, गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स इमर्जिंग मार्केट्स. बहुत सिंपल है, इसको बहुत दिमाग नहीं लगाना है. पहले देखो, एक जेपी मॉर्गन है, इन्होंने एक इंडेक्स बना रखा है, उस इंडेक्स का नाम है गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स इमर्जिंग मार्केट. तो यानी गवर्नमेंट बॉन्ड्स कहाँ के, इमर्जिंग मार्केट के, और उनका एक उन्होंने इंडेक्स बना रखा है. अब उस इंडेक्स का पर्पस क्या होता है, पर्पस सिंपल है, इट इज अ वाइडली फॉलोड इन्फ्लुएंशियल बेंचमार्क एंड दैट ट्रैक्स ट्रैक्स द परफॉर्मेंस ऑफ लोकल करेंसी डिनोमिनेटेड सोवरेन बॉन्ड्स. गवर्नमेंट बॉन्ड यानी सोवरेन बॉन्ड इशूड बाय इमर्जिंग मार्केट कंट्रीज, यानी इंडिया के गवर्नमेंट बॉन्ड्स की वो एक तरह से परफॉर्मेंस को ट्रैक कर रहा होता है कि इनकी मार्केट में डिमांड कितनी है. आपको पता है ना, बॉन्ड्स ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, दे कैन बी बॉट एंड सोल्ड. तो ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए देर इज एन इंडेक्स दैट दे फॉर्म, और उस इंडेक्स के बेसिस पे वो डिटरमिन करता है जेपी मॉर्गन की ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री फ्रॉम एन इमर्जिंग इमर्जिंग मार्केट. इंडिया इज एन इमर्जिंग मार्केट. एक इमर्जिंग मार्केट के गवर्नमेंट बॉन्ड का परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए इंडेक्स बना रखा है उन्होंने. ठीक है, कई सारे इन्वेस्टर्स होते हैं दुनिया भर के इन्वेस्टर्स, दे ट्रैक दैट इंडेक्स. वो जेपी मॉर्गन के इसी इंडेक्स को ट्रैक करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं वेदर दे वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन इंडियाज गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट और नॉट. ठीक है, तो ऐसे में इंडिया के गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट जब जेपी मार्केट के इंडेक्स में आते हैं तो उसके ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू बढ़ जाती है. तो इससे क्या होगा, इट विल वाइडन द इन्वेस्टर बेस एंड पोटेंशियली लीड टू द एप्रिसिएशन ऑफ द रुपी. रुपी एप्रिसिएशन कैसे होगा, क्योंकि मोर पीपल विल कम इन टू इंडिया टू इन्वेस्ट इन द गवर्नमेंट बॉन्ड, एंड जैसे ही गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहे दे विल ब्रिंग डॉलर्स, और डॉलर मांग इन डॉलर लेकर आएंगे और मांगेंगे क्या, रुपी. तो एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन कैसे डिटरमिन होता है, डॉलर की डिमांड ज्यादा होगी रुपी के कंपैरिजन में तो डॉलर एप्रिशिएट होगा, रुपी की डिमांड ज्यादा होगी डॉलर के कंपैरिजन में तो रुपी एप्रिशिएट होगा. सो जैसे ही देखो, दो तीन चीजें, बैक टू बेसिक्स, जेपी मॉर्गन का इंडेक्स है, गवर्नमेंट बॉन्ड का इंडेक्स है इमर्जिंग मार्केट के गवर्नमेंट बॉन्ड्स का, तो उसी में इंडिया के आपने गवर्नमेंट बॉन्ड्स डाले तो दुनिया भर के इन्वेस्टर अब उसमें इंटरेस्टेड होंगे. अब जैसे ही इंटरेस्टेड होंगे तो इंडिया के मार्केट में आएंगे, उससे इंडिया की करेंसी रिलेटिवली एप्रिशिएट होगी. ठीक है, सोशल इंपैक्ट बॉन्ड, जिसको मैंने क्लास में ऑलरेडी एक बार आपको डेवलपमेंट इंपैक्ट बॉन्ड नाम की एक चीज पढ़ाई थी, मैंने आपको राइनो बॉन्ड भी पढ़ाया हुआ, एक स्किल इंपैक्ट बॉन्ड भी पढ़ाया था एक मंथली राउंड अप, वीकली राउंड अप में. तो वहां पे उस वो दैट इज नथिंग बट अ सोशल इंपैक्ट बॉन्ड. वहां पे बॉन्ड की वैल्यू इस बात पे डिटरमिन करती है कि वेदर अ सोशल आउटकम हैज बीन अचीव्ड और नॉट. ठीक है, और यहाँ पर एक नाम याद रख लेना बस इतना, नाबार्ड. नाबार्ड कम के नाम का एक बैंक हमें पता है ना, बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, उसका एक सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड है एंड इट इज द फर्स्ट एक्सटर्नली सर्टिफाइड ट्रिपल ए रेटेड इंडियन रूपी सोशल बॉन्ड इन द कंट्री. एक बॉन्ड है, कौन सी करेंसी में डिनोमिनेटेड है, रूपी में डिनोमिनेटेड है, किसने इशू किया है, नाबार्ड ने इशू किया है, किस तरह का बॉन्ड है, सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड है, और ये पहला बॉन्ड है जिसको एक बढ़िया रेटिंग मिली हुई है ट्रिपल ए रेटेड, यानी इसमें ज्यादातर लोग इन्वेस्ट करना चाहेंगे. ठीक है,
एक ट्रिपल ए रेटिंग भी मिली हुई है, तो फर्स्ट एक्सटर्नली सर्टिफाइड। अच्छा एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन भी कोई इंडियन कंपनी नहीं, कोई बाहर की एक्सटर्नल एक्सटर्नली सर्टिफाइड ट्रिपल ए रेटेड बॉन्ड है ये। इंडियाज एक्सपोर्ट बैन ऑन नॉन बासमती राइस क्वेश्चन एट WTO। इंडिया ने बीच में अभी एक्सपोर्ट बैन लगा दिया था राइस पे। एक्सपोर्ट बैन करने का क्या मतलब होता है, क्यों करते हैं एक्सपोर्ट बैन, ताकि इंडियन डोमेस्टिक मार्केट के अंदर उसकी अवेलेबिलिटी बनी रहे। आपने उठा के अगर पूरा मार्केट मार्केट में ऑलरेडी प्रोडक्शन कम है और आप उसमें एक्सपोर्ट और करे जाते हो, तो फिर तो आपकी अवेलेबिलिटी और कम हो जाएगी। तो जब आपको दिखता है कि प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो आप अवेलेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, ताकि वो देखो अवेलेबिलिटी कम होती है तो प्राइसेस बढ़ती हैं। जब भी कोई चीज़ कम है मार्केट में, अगर पूरे मार्केट में सिर्फ एक ही पानी की बॉटल है, तो इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ऑटोमेटिकली जब अवेलेबिलिटी कम होती है तो प्राइसेस ऊपर जाती हैं। उस अवेलेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए आप क्या करते हो, एक्सपोर्ट बैन करते हो, ताकि डोमेस्टिक मार्केट में वो प्रोडक्ट बना रहे। तो इंडिया ने कुछ बैन किया था, जिसको WTO के कुछ मेंबर्स, लाइक दीज मेंबर्स US कनाडा, इन लोगों ने क्वेश्चन किया था। ठीक है, यहाँ पर हमारे काम की चीज़ एक फैक्ट है, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस आफ्टर चाइना। दिस इज अ फैक्ट दैट यू नीड टू रिमेंबर। ठीक है, पाम ऑयल प्रोडक्शन। ठीक है, यूरोपियन टेकन सिग्निफिकेंट स्टेप इन रीसेंट ईयर्स टू एड्रेस द डिफॉरेस्टेशन एंड द एनवायरमेंटल कंसर्न्स थ्रू द यूरोपियन यूनियन डिफॉरेस्टेशन फ्री रेगुलेशन रिलेटेड टू पाम ऑयल प्रोडक्शन एंड मैसिव एफर्ट्स टू फेज आउट पाम ऑयल बेस्ड बायोफ्यूल्स बाय 2030। देखो, पाम ऑयल प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है मलेशिया एंड इंडोनेशिया में। अब इसके लिए, इस पाम ऑयल प्रोडक्शन के लिए वो लोग क्या करते हैं, लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन करते हैं, जिसके कारण पाम ऑयल का जो एक इसका कह सकते हो आप एक मेजर ड्रॉबैक है। और ये जो दो कंट्रीज हैं, ये 90% ऑफ पाम ऑयल प्रोड्यूस करती हैं वर्ल्ड का, और यहाँ पे बहुत मेजर डिफॉरेस्टेशन होता है, दैट इज वन ऑफ द ड्रॉबैक्स। यूरोपियन यूनियन हमें पता है अच्छे काम में सबसे आगे होता है, तो यूरोपियन यूनियन ने वहां पर डिफॉरेस्टेशन फ्री रेगुलेशन लेकर आए थे, जिससे वो ऐसा पाम ऑयल जो कि डिफॉरेस्टेशन से बेस्ड हो, उसके यूसेज हो या उसके इंपोर्ट्स को धीरे धीरे वो रिड्यूस करना चाहते हैं, उसको मैनेज करना चाहते हैं। ठीक है, पाम ऑयल की अगर हम बात करें, ये होता है एडिबल वेजिटेबल ऑयल डिराइव फ्रॉम मीजो कार्प, रेडिश पल्प ऑफ द फ्रूट ऑफ द ऑयल पाम्स। ठीक है, कुकिंग ऑयल जो होता है मेनली वहां पर यूज होता है, सबसे ज्यादा कुकिंग ऑयल में यूज होता है, वरना इसका यूसेज और भी कई सारी जगह पर है। अब प्रोडक्शन की बात करें तो इंडोनेशिया मलेशिया मैंने ऑलरेडी बता दिया सबसे ज्यादा 90%, इसमें भी सबसे ज्यादा 2021 में इंडोनेशिया ने क्वांटिटी प्रोड्यूस करी थी। इंडिया की बात करें तो इंडिया इज द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ पाम ऑयल, विच मेक्स अप 40% ऑफ इट्स वेजिटेबल ऑयल कंजम्पशन। हमारा 40% ऑफ वेजिटेबल ऑयल कंजम्पशन कहाँ से आता है, वो आता है इम्पोर्ट्स के जरिए। ठीक है, वो आता है इम्पोर्ट्स के जरिए, एंड इंडिया इज द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ दिस पाम ऑयल। ठीक है, और इंडिया ने भी अब रिसेंटली, आपको पता है जब भी कोई चीज़ आप जरूरत से ज़्यादा इंपोर्ट करते हो, तो आप चाहते हो ना उसको सब्स्टिट्यूट करके आप डोमेस्टिकली भी एक सर्टेन हिस्सा उसका बनाने लग जाओ, तो इसके लिए यू हैव समथिंग कॉल्ड नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल एंड ऑयल पाम टू बूस्ट इंडियाज डोमेस्टिक पाम ऑयल प्रोडक्शन। डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो इंपोर्ट कम होगा, इंपोर्ट कम होगा तो डिपेंडेंस कम होगी, ऑल्सो उसके कारण फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी हम बचा पाएंगे। आगे सेकेंड, ठीक है, सियांग रिवर है अरुणाचल में, सियांग रिवर पे इंडिया इज सेइंग कि वी विल कंस्ट्रक्ट अ बराज। बराज से क्या होता है, यू कैन स्टॉप द फ्लो ऑफ रिवर वाटर, रिवर वाटर के फ्लो को आप रोक सकते हो और रोक के कंट्रोल कर सकते हो अपने पर्पसेस के लिए। हमें पता है जो सियांग रिवर नोन एज द यारलंग जांगपो इन चाइना इज प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट रिवर ऑफ द ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, तो ये ब्रह्मपुत्रा रिवर की दो तीन नाम है, यारलंग जांगपो, ब्रह्मपुत्रा, सियांग रिवर। तो ये सब जो सियांग रिवर है, उस पर हम क्या बनाना चाह रहे हैं, बराज बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, और जो ब्रह्मपुत्रा रिवर भी है, वो ओरिजिन होती है टिबेट से, और टिबेट से पूरा चल के इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पे एक शार्प टर्न लेकर इट एंटर्स इंटू अरुणाचल प्रदेश, फिर आसाम से होता हुआ इट फाइनली ड्रेन्स इंटू बे ऑफ बंगाल, मतलब बांग्लादेश से एंटर करके। बांग्लादेश से एंटर करके इट एंटर्स इनटू बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो बे ऑफ बंगाल में एंटर करता हो।
देखो, ऑयल हेल्दी अनहेल्दी डिपेंड करता है उसको बनाने की प्रोसेस पे। तो पाम ऑयल अपने आप में अनहेल्दी नहीं होता है, बट पाम ऑयल की दूसरी प्रॉब्लम है। पाम ऑयल प्रोडक्शन में जो आप डिफॉरेस्टेशन करते हो, दैट क्रिएट्स अ बिगर प्रॉब्लम। ठीक है, इट एंटर्स अरुणाचल प्रदेश अंडर द ग्रेट बेंड। ये जो ग्रेट बेंड है इसको कहते हैं ग्रेट बेंड। तो अब क्या कर रहे हैं हम लोग, उस पर एक बराज कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि ये वाला जो पार्ट है जो कि चाइना से होता हुआ आता है और यहाँ पर आके वो इंडिया में एंटर करता है, तो ये वाला पार्ट जो चाइना में है, चाइना इज कंस्ट्रक्टिंग सम डैम्स। तो हम भी अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए जो भी थोड़ा बहुत पानी आ रहा है, हम वहाँ पर अपना एक बराज बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। गुजरात डिक्लेरेशन, इसको याद रखना, WHO हैज रिलीज द आउटकम डॉक्यूमेंट ऑफ द फर्स्ट WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट इन फॉर्म ऑफ गुजरात डिक्लेरेशन। गुजरात और ट्रेडिशनल मेडिसिन, इसको याद रखना, गुजरात ट्रेडिशनल मेडिसिन। ठीक है, और ट्रेडिशनल मेडिसिन का एक सेंटर, एक इंटरनेशनल ग्लोबल सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन हैज ऑल्सो बीन एस्टैब्लिश्ड इन गुजरात, गांधीनगर, सॉरी जामनगर इन गुजरात, नॉट गांधीनगर, जामनगर इन गुजरात। संदेश ऐप, अभी G20 में बहुत सारे विजिटर्स बाहर से, दुनिया भर के लोग आए हुए थे। द G20 समिट, पुलिस विल बी कम्युनिकेटिंग अबाउट द इवेंट्स ऑफ इवेंट सिक्योरिटी ओनली थ्रू द संदेश ऐप, एन इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म बाय NIC। इन्होंने क्या किया, व्हाट्सएप व्हाट्सएप पे रिलाय करने की बजाय एक संदेश करके खुद का ऐप बनाया हुआ है, और फिर पुलिस जो भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स थे और उसको कम्युनिकेट करना है अगर आपको अपने गेस्ट को, तो उन सब के लिए यूनिक IDs वगैरह बनाई गई हैं और उसी के थ्रू उसको कम्युनिकेट किया गया है, इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन समथिंग लाइक व्हाट्सएप विच इज इजीली हैकेबल। एक्सपोर्ट कंट्रोल ऑफ डुअल यूज आइटम्स, ठीक है, यहाँ इतना सिंपल याद रखना, डुअल यूज आइटम्स का मतलब होता है जो कि सिविलियन एज वेल एज मिलिट्री पर्पज के लिए यूज किया जा सकता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज डुअल यूज आइटम्स। इंडिया के अंदर वी क्रिएट समथिंग कॉल्ड अ स्कॉमेट लिस्ट। स्कॉमेट, ये नाम याद रखना, स्कॉमेट, ये जितना मैंने हाईलाइट कर रखा है ना यहाँ पर, और इधर पे एक चीज और ऐड कर लेना, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ये जो लिस्ट है ये कौन प्रिपेयर करता है? डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ठीक है, DGFT जो होता है। और इसमें क्या है, लिस्ट ऑफ स्पेशल केमिकल्स ऑर्गेनिजम्स मटेरियल्स इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजीज रेगुलेटेड एज पर द इंडियाज फॉरेन ट्रेड लिस्ट। ठीक है, तो इंडिया की अपनी कंट्रोल लिस्ट है और वो उस लिस्ट का नाम है स्कॉमेट लिस्ट, और इसको प्रिपेयर कौन करता है? DGFT। ठीक, चलो आगे चलेंगे। हाइपर लूप आपको पता है, दिस अ न्यू काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी जिसमें टाटा स्टील एंड ट्यूटर हाइपर लूप, डीप टेक स्टार्टअप है विच इज ऑपरेटिंग फ्रॉम IIT मद्रास। तो टाटा स्टील ने ट्यूटर हाइपर लूप के साथ एक मेमोरेंडम अग्रीमेंट जॉइंटली वो काम कर रहे हैं, तो ताकि हाइपर लूप टेक्नोलॉजी को इंडिजीनियसली इंडिया के अंदर प्रमोट कर सकें। तो टाटा स्टील याद रखो, ट्यूटर हाइपर लूप याद रखो, और IIT मद्रास में ये हाइपर लूप नाम की, ये जो ट्यूटर हाइपर लूप है वो एक डीप टेक स्टार्टअप है विच इज ऑपरेटिंग फ्रॉम IIT मद्रास। हाइपर लूप क्या है? इट इज अ प्रपोज अल्ट्रा हाई स्पीड ओवर 700 माइल्स पर आवर। एक बार बस इसकी फोटो देख लेना, ये मस्क और स्पेस एक्स वगैरह भी इसको प्रमोट कर रहे हैं हाइपर लूप को बहुत ज्यादा। ठीक है, G77 नाम की बॉडी होती है, ग्लोबल साउथ पता है ना हमें, ग्लोबल साउथ एक ब्रांड लाइन वगैरह मैंने आप लोगों को बता रखी थी। तो ग्लोबल साउथ होता है, ब्रांड लाइन होती है, विल ब्रांड करके एक जर्मनी के लीडर थे, उन्होंने एक बनाई थी एक ब्रांड लाइन, उसके ऊपर की कंट्रीज को ग्लोबल नॉर्थ और नीचे की कंट्रीज को ग्लोबल साउथ बोलते हैं। तो ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज है, दैट इज G77 कंट्रीज। तो G77 कंट्रीज, फॉर्मेशन ऑफ G77 इट वॉज हैपन 64 में हुआ था UNCTAD की कन्वेंशन में जेनीवा में। बट G77 इज बेसिकली रफली एक ग्रुपिंग है। वो ग्रुपिंग डिनोट क्या करती है? ग्लोबल साउथ को डिनोट करती है, यानी क्या, डेवलपिंग कंट्रीज के ग्रुपिंग को डिनोट करती है। और फिर डेवलपिंग कंट्रीज के जो ग्रुपिंग है, ठीक है, इस ग्रुपिंग का मेन पर्पस क्या, टू प्रमोट द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। इकोनॉमिक इंटरेस्ट, डेवलपिंग कंट्रीज के जो कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उसको प्रमोट करने का काम किसका है? G77 का है। ठीक, और यहां पर देर इज समथिंग कॉल्ड UN ऑफिस ऑफ साउथ साउथ कोऑपरेशन। साउथ साउथ कोऑपरेशन का एक UN ऑफिस बनाया गया था 1974 में, ये भी इस G77 के कोलैबोरेशन के साथ काम करता है।
मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर हमें पता है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर, अगेन G20 समिट का वन ऑफ दी आउटकम्स है। तो आईमेक प्रोजेक्ट है, G20 समिट में हमने अनाउंस किया था। इसके पहले मैंने आपको इसको, दिस प्रोजेक्ट ऑल्सो फॉर्म्स पार्ट ऑफ PGII का भी पार्ट है, एक तरह से PGII से भी रिलेटेड है। PGII क्या है? PGII क्या है? पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। PGII इज अ पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। इसको मैंने डिटेल में, PGII इज एन आउटकम ऑफ G7 समिट इन 2022, दिस आई हैव ऑलरेडी टॉट यू इन प्रीवियस मंथली राउंड अप्स। ईस्ट कॉरिडोर कनेक्टिंग इंडिया टू द अरेबियन गल्फ, और एक नदन कॉरिडोर है जो गल्फ से फर्दर यूरोप को कनेक्ट करता है, पहले इंडिया को अरेबियन गल्फ से और गल्फ को फर्दर यूरोप से। और उसमें मल्टीपल रेल रोड भी है, होगा शिप टू रेल नेटवर्क भी होगा, रोड ट्रांसपोर्ट भी होगा, एक मल्टी मोडल नेटवर्क एक बनाकर एक पूरा का पूरा एक वहां पे सेटअप बनाना चाह रहे हैं वो लोग। सिग्नेटरीज इसमें अभी के लिए हैं इंडिया, US, सऊदी अरेबिया, UAE, यूरोपियन यूनियन, इटली, फ्रांस, जर्मनी, ये सब इंपॉर्टेंट कंट्री हैं। इंडिया का हमें पता है मुंद्रा पोर्ट, कांडला पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जो कि वेस्टर्न कोस्ट, ये सारे क्या हैं? वेस्टर्न कोस्ट पे, वेस्टर्न कोस्ट पे, ठीक है। और फिर इसमें फुजैरा, जबल अली, अबू धाबी इन UAE, फुजैरा पोर्ट UAE, हाइफा पोर्ट इन इसराइल, तो ये हाइफा पोर्ट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो इन सबको वो लोग लार्जली कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। एब्राहम अकॉर्ड, एब्राहम अकॉर्ड US के प्रेसिडेंट थे ट्रंप। ट्रंप की प्रेसिडेंसी के टाइम पे US के मीडिएशन के साथ इसराइल ने कुछ एक अग्रीमेंट साइन किया था। इसराइल ने इनिशियली साइन किया था UAE और बहरेन के साथ, बाद में इसी एब्राहम अकॉर्ड में सूडान और मोरक्को भी ऐड हो गए। ऑल ऑफ देम हैड डन वन थिंग एंड दैट इज दे हैव रिकॉग्नाइज्ड, दे हैव एस्टैब्लिश्ड फॉर्मल डिप्लोमैटिक रिलेशंस। डिप्लोमैटिक रिलेशन एस्टैब्लिश करने का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ एम्बेसीज, तो एम्बेसी भी एक्सचेंज करेंगे, डिप्लोमैट्स एक्सचेंज करेंगे। फॉर्मल डिप्लोमैटिक रिलेशन एस्टैब्लिश किया इन कंट्रीज ने, जिसमें कि बाद में सूडान एंड मोरक्को भी ऐड हो गए, ठीक। बाकी आई हैव डिस्कस इसराइल पेलेस्टीन, बाकी डिटेल में मैंने किया है। अक्टूबर वाला मंथ आएगा तो इफ पॉसिबल वहां पे अगर स्कोप होगा तो आई डिस्कस इट अगेन, बट नेवरदलेस आई शेयर द कंटेंट। नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज को रिप्रेजेंट करता है, ट्रंप का एक इंपॉर्टेंट रोल है। इसराइल, UAE, बहरेन, ये दो कंट्री, सूडान, मोरक्को, ये दो कंट्री, ईयर 2020, इतनी चीजें, ये जो इतने फैक्ट है ना, इतना भी आपने याद किया तो अब्राहम अकॉर्ड सॉर्टेड है आपका। खालिस्तान शेडो और इंडिया कनाडा टाइज, हमें पता है ना इंडिया कनाडा के टाइज में अभी बहुत दिक्कतें हुई थी, तो इसमें हरदीप सिंह निज्जर, हरदीप निज्जर जो कि एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है इंडिया के, उनको वहां पे किसी ने मार दिया, किसी ने मार दिया, अब हमें नहीं पता कौन है। तो जिनने भी मारा हो, वहां के प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया कि इंडिया का स्टेट का इन्वॉल्वमेंट रहा है, और ये हमारी फाइव आइज अलायंस नाम की एक इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसने उसके थ्रू हमें पता चला है। तो खालिस्तान मूवमेंट सबसे पहले देख लेते हैं जल्दी से, एक सोवरेन सिक्स स्टेट एस्टैब्लिश करना चाहते थे, ऐसे एक सेपरेट सोवरेन सिक्स स्टेट की एक डिमांड थी पुरानी, जो कि फिर ऑपरेशन इसको कंप्लीटली क्रश कर दिया गया था, ऑपरेशन ऑपरेशन ब्लू स्टार, एक सेकेंड, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लैक थंडर, इन सब के थ्रू इसको कंप्लीटली क्रश कर दिया गया था खालिस्तान मूवमेंट। बट उसी खालिस्तान मूवमेंट के कुछ सपोर्टर्स थे जो कि बाद में बाहर जाके UK, कनाडा वगैरह में जो सेटल हो गए, देन लाइक माइक्रो माइनॉरिटी देयर, तो वो ऐसे लोग कई बार वहां पर दे हैव नाउ बिकम, सम ऑफ देम हैव नाउ बिकम पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल, तो वो वहां पर कहीं ना कहीं कनाडा की पॉलिटिक्स को भी वो इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, और हरदीप निज्जर जैसे लोग भी उसको इन्फ्लुएंस कर रहे थे, ठीक है, अब तो थे हो गए। ऑपरेशन ब्लू स्टार, अभी रिसेंटली अगर एंटी इंडिया एक्टिविटीज की हम बात करें, रिसेंटली एक ब्लू स्टार एनिवर्सरी परेड निकाली गई थी, वो ब्लू स्टार पे, जो ऑपरेशन ब्लू स्टार जो अमृतसर में गोल्डन टेम्पल पे अटैक हुए थे, तो वहाँ पे वो इंदिरा गांधी का, आपको भी पता है कि इंदिरा गांधी के बॉडी गार्ड्स ने उनको बाद में शूट कर दिया था, दोनों सिख बॉडी गार्ड्स थे, ठीक है। तो उनकी एक ब्लड स्टेन फिगर का एक परेड निकाला गया। देन प्रो खालिस्तान रेफरेंडम, एक सिख फॉर जस्टिस करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने एक प्रो खालिस्तान रेफरेंडम कंडक्ट कराया। फिर एक सान सवेरा मैगजीन है वहां पर जो टोरंटो बेस्ड है, ठीक है, पंजाबी लैंग्वेज वीकली, इट ग्रीटेड इंदिरा गांधी डेथ एनिवर्सरी विद अ कवर इलस्ट्रेटेड सेलिब्रेटिंग हर मर्डर, ठीक है, आपके एक एक्स प्राइम मिनिस्टर का मर्डर सेलिब्रेट हो रहा है किसी दूसरे देश में, दिस इज ऑब्वियसली एन एंटी इंडिया एक्टिविटी। फाइव आइज अलायंस यहां पर काम की बात करते हैं। फाइव आइज अलायंस क्या है? एंग्लोफोन कंट्रीज, ध्यान से सुनना है इसको, एंग्लोफोन कंट्रीज यानी ऐसी कंट्रीज जिनकी मेन लैंग्वेज है इंग्लिश, जिसमें कौन कौन आ गया, इसको पेयर में मैंने बोला ना, पेयर्स में याद करना चाहिए, US, UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, और एक कंट्री और ऐड कर लो जो कि है कनाडा। अब कनाडा इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि कनाडा के तो कॉन्टेक्स्ट में ही याद कर रहे थे, ये चीजें पढ़ाई हमने कनाडा के कॉन्टेक्स्ट में,
वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो है वहाँ के जस्टिन ट्रूडो, वो इसका नाम ले रहे थे फाइव आइज अलायंस के थ्रू। हमें पता चला है कि इंडिया इज इन्वॉल्व इन द मर्डर ऑफ हरदीप निजर। तो फाइव आइज अलायंस क्या है? एक इंटेलिजेंस अलायंस है। ये हर कंट्री का अपना एक इंटेलिजेंस नेटवर्क होता है। और इन्होंने क्या किया, क्योंकि इन पांचों की लैंग्वेज सेम है, डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, हिस्टोरिकल कनेक्शंस हैं, तो इन्होंने बोला कि अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए बहुत आसान है एक दूसरे के साथ अपनी अपनी इंटेलिजेंस शेयर करना। तो वो जो इंटेलिजेंस के जो इनपुट्स हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर करते रहते हैं, ठीक है। एंड दैट इज नोन एज द फाइव आईज अलायंस, एक नहीं पांच आंखें, ठीक है। एजेंसी लेटर एनलार्ज कोर ग्रुप टू नाइन आईज, फिर इसमें 14 आईज अलायंस वगैरह भी आ जाता है, जैसे बेल्जियम, इटली, जर्मनी, स्पेन वगैरह भी आता है। मेनली आपको देखना है फाइव आईज अलायंस क्या होता है, इतना याद करो ये वाला पॉइंट, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में मत जाना, ठीक है। इफ पॉसिबल नाइन आईज और ये 14 आईज भी याद कर लेना। 9 आईज में आ जाता है नेदरलैंड, डेनमार्क, फ्रांस और नॉर्वे, ऑल दो इनकी लैंग्वेज सेम नहीं है। बेल्जियम, इटली, जर्मनी, स्पेन, स्वीडन को भी अगर ऐड कर लो तो बन जाता 14 आईज ब्लॉक। लेकिन इन सारी की सारी कंट्रीज दे आर अल्टीमेटली ऑफ द सेम, यू नो, सेम इंक्लिनेशन है, डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, तो दे आर इन द सेम, एक तरह से काफ़ी कॉमन इंटरेस्ट इनके हो सकते हैं। बट मेन जो अलायंस है वो ये फाइव आईज ही है। ये इन्होंने फर्दर एक बनाने की कोशिश करी, बट दिस इज क्वाइट इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। खालिस्तान मीन्स नथिंग। खालिस्तान इज अ पर्टिकुलर लैंड दैट दे वॉन्टेड फॉर देमसेल्स एज अ सोवरेन लैंड, तो उसका नाम उन्होंने खालिस्तान रखा था। खालसा से खालिस्तान आता है। एशिया पैसिफिक फोरम ऑन ह्यूमन राइट्स, ठीक है। एशिया पैसिफिक फोरम की एक मीटिंग हुई थी, अगेन ये क्या है, सेलिब्रेटिंग द लैंडमार्क 75th एनिवर्सरी ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यूडीएचआर, इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स। 10th of December इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एज द यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स डे, क्योंकि उसी दिन ह्यूमन राइट्स डे वाले दिन क्या हुआ था, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आया था। 10th of December वॉज द ह्यूमन राइट्स डे। इट वॉज फाउंडेड इन 96, यूनाइट्स ऑल द नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस। इंडिया का नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन क्या है? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, और इसको यूनाइट करता है पूरे एशिया पैसिफिक रीजन के एनएचआरआईज को। तो इंडिया में एनएचआरसी है, तो कैसी दूसरी कंट्रीज में भी उनका अपना एक नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन होगा। तो इन सारे का एक ग्रुपिंग बना दिया, विच इज नोन एज एशिया पैसिफिक फोरम ऑन ह्यूमन राइट्स। और इन सब ने मिलकर अभी क्या सेलिब्रेट किया, 75 ईयर्स ऑफ यूडीएचआर। कहाँ सेलिब्रेट किया? हमारे अपने देश में, ठीक। आई वाज लुकिंग फॉर दिस पॉइंट व्हेन आई वाज डिस्कसिंग दैट। एनीवेज, आसियान इंडिया समिट एंड 18th ईस्ट एशिया समिट हैपेंड इन जकार्ता। ईस्ट एशिया समिट कहाँ हुई? जकार्ता में। और आसियान, आसियान और इंडिया के बीच की समिट भी कहाँ हुई? जकार्ता में। 12 पॉइंट प्रपोजल वहां पे रखा गया, समथिंग कॉल्ड 12 पॉइंट प्रपोजल। इसमें अलग अलग पॉइंट्स थे, जैसे कि साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया, वेस्ट एशिया, यूरोप की एक कनेक्टिव मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट होना चाहिए। तो इंडिया एक तरफ, यहाँ पे हम लोग वो G20 में अनाउंस कर रहे हैं मिडिल ईस्टर्न कॉरिडोर, इधर पे हम अनाउंस कर रहे हैं कि साउथ ईस्ट एशिया को भी कनेक्ट करने के लिए कॉरिडोर। तो दोनों तरफ हम अल्टीमेटली कनेक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं। कनेक्टिविटी बढ़ती तो ट्रेड बढ़ता है, ट्रेड बढ़ता है तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ता है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बढ़ता है, तो इकोनॉमी डेवलप होती है, जीडीपी ग्रोथ होती है। और जीडीपी जब ग्रोथ होती है, तो जीडीपी का जब ग्रोथ होता है तो इससे क्या होता है, वी फाइनली जॉब्स क्रिएट होती है, ठीक है। इंडिया डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक, तो इंडिया का अपना इंडिया डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक है ना, आधार का, आधार है हमारे पास। वी ऑल्सो हैव समथिंग कॉल्ड पीसी डाउनलोड। बेटा सबसे पहले तो अपने असली नाम यूज करो यार, मैं आप लोगों को सब पढ़ा दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने नाम अच्छे रखो, सही से रखो। पीसी डाउनलोड क्या होता है? एसपी सिंह सर, एमआईटी टॉपिक्स की पीडीएफ कहाँ मिलेगी? मिल जाएगी बेटा ये भी, अगर आप, अब एसपी सिंह अगर आप अपने स्टूडेंट हो तो आपको वैसी मिल रही होगी, नहीं हो अपने स्टूडेंट तो मैंने बोला है वो नंबर पे कॉल करो, आपको मिल जाएगी, उधर बात करो, वो बता देंगे कैसे मिल सकती है, ठीक है। और बेटा पीसी डाउनलोड, आप तो नाम बदलो पहले। तो इंडिया डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक विद आसियान पार्टनर्स, ठीक है। तो आधार, हमारा यूपीआई का इंटरफेस, ये सारी चीजें हम लोग कहाँ पर लेकर आ रहे हैं? आसियान पार्टनर्स के साथ शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर एक फंड फॉर डिजिटल फ्यूचर एक बना दिया है। फिर ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन में उनको बोला कि आप भी आ जाओ, जुड़ जाओ इसमें। और ये हमने ग्लोबल सेंटर कहाँ पे बनाया? जामनगर में बनाया। एक है, मैंने आपको जब आईएसए बता रहा था तो मैंने बताया था ना, एक और एक इनिशिएटिव इंडिया का सीडीआर है, डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। आसियान कंट्रीज की अगर हम बात करें, इवन ईस्ट एशिया समिट की कंट्रीज की बात करें, तो दे आर बेसिकली ऑल
आसियान कंट्रीज और ईस्ट एशिया कंट्रीज की अगर हम बात करें तो इसका दैट दे आर बेसिकली व्हाट दे आर बेसिकली कंट्रीज विच आर अलॉन्ग द लाइन्स जहाँ पर पता है बहुत डिजास्टर्स होते हैं लाइक अर्थक्वेक बहुत बहुत डिजास्टर प्रोन एरिया है वो अर्थक्वेक सुनामी साइक्लोन्स वॉल्केनिक इरप्शंस साल भर चलता रहता है। तो ऐसी जगह पे हम एक चीज बना रहे हैं हम एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव बना रहे हैं कोलिजन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ऐसे में वी आर इन्वाइटिंग दीज कंट्रीज टू बी अ पार्ट ऑफ सी डी आर आई विच इज अगेन एन इंडियाज इनिशिएटिव एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर सी डी आर आई एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2019। ठीक एक इकोनॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ आसियान ईस्ट एशिया एरिया नाम से बनाना जो एक्ट एज द नॉलेज पार्टनर कॉल्ड फॉर एनहांस कोऑपरेशन ऑन मैरिटाइम सेफ्टी सिक्योरिटी एंड डोमेन अवेयरनेस। तो इस तरह के कुछ इनिशिएटिव्स हमने वहाँ पे अनाउंस किए। ईस्ट एशिया समिट देख लेते हैं 2005 एज एन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन लेड इनिशिएटिव आसियान लेड इनिशिएटिव है ये। आसियान और ईस्ट एशिया अलग है, ईस्ट एशिया समिट अलग है, आसियान अलग है, लेकिन आसियान का इनिशिएटिव है ईस्ट एशिया समिट। इज द ओनली लीडर लेड फोरम इन द इंडो पैसिफिक। ईएस ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ओपननेस इंक्लूसिवनेस। आइडिया ऑफ ईस्ट एशिया ग्रुपिंग वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय मलेशियन प्राइम मिनिस्टर जो थे उस समय महाथिर मोहम्मद। ठीक है महाथिर मोहम्मद जो थे 1991 के 1991 में उन्होंने सबसे पहले प्रपोज किया था दैट एक ईस्ट एशिया का भी ग्रुपिंग होना चाहिए। फर्स्ट समिट वॉज हेल्ड इन कुआलालंपुर मलेशिया। ठीक है कब 2005 में। प्रेजेंटली इट हैज 18 मेंबर्स। ठीक आसियान की अगर हम बात करें अगेन आसियान कंट्रीज की अगर हम बात करें 1967 में बना था आसियान। इट इज बेसिकली एन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। प्रेजेंटली इसमें 10 मेंबर्स हैं। इसको याद करने का मैंने आपको एक तरीका बताया था टीवी क्लिप ऑफ MBBS। टी स्टैंड्स फॉर थाईलैंड वियतनाम कंबोडिया लाओस इंडोनेशिया फिलीपींस। एम स्टैंड्स फॉर मलेशिया। एक बी जो है यहाँ पर वो हो गया बर्मा। बर्मा इज नथिंग बट म्यांमा। ठीक है म्यांमा। और फिर बी दूसरा जो बी है इट स्टैंड फॉर ब्रूने एंड दी एस स्टैंड फॉर सिंगापुर। ऐसे करके 10 मेंबर्स हैं प्रेजेंटली। एक 11th मेंबर है जिसकी बात ऑलमोस्ट इट्स टुवर्ड्स द लास्ट स्टेज बट अभी अगर इस वक्त मैं आपसे बात करूं तो 10 ही मेंबर्स हैं। एक 11th मेंबर की बात चल रही है दैट इज ईस्ट टिमोर बट ये अभी तक कंफर्म नहीं हुई है इनकी मेंबरशिप। तो एज वी टॉक देर आर ओनली 10 मेंबर्स ऑफ आसियान। ईस्ट टिमोर में जो टॉक्स हैं एडवांस लेवल टॉक्स टू बिकम 11th मेंबर ऑफ आसियान इट इज ऑलरेडी गोइंग ऑन। ठीक है आसियान का सेक्रेटेरिएट कहाँ है इंडोनेशिया में जकार्ता में। 8 अगस्त इज ऑल्सो सेलिब ऑब्जर्व एज द आसियान डे। वन विजन वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी ऐसा इनका एक मोटो भी है। इनका एक ऑफिशियल एंथम भी है जिसका नाम है द आसियान वे। ठीक है आसियान डे भी सेलिब्रेट करते हैं और आसियान वे नाम का इनका एंथम भी है। ठीक है चेयरमैनशिप ऑफ आसियान रोटेट्स एनुअली वो मेंबर्स के बीच में रोटेट होता रहता है। अभी इंडोनेशिया के पास अगली बार किसी और दूसरी कंट्री के पास होगा। अलग अलग आसियान फोरम्स हैं। आसियान रीजनल फोरम है लॉन्च्ड इन 1993। ठीक है तो इसमें 27 मेंबर्स हैं आसपास की कंट्रीज को और उन्होंने जोड़ लिया। आसियान +3 नाम की एक चीज़ है 97 में बनाया था इनने +3। तो +3 में कौन कौन है इसमें जापान साउथ कोरिया और चाइना जो एकदम वहाँ की पास की कंट्रीज हैं जिनकी इकोनॉमी भी इनके साथ इंटीग्रेटेड है और जहाँ से इनका कल्चर भी काफ़ी हद तक इनकी कल्चरल एफिनिटीज है। 2005 में ये ईस्ट एशिया समिट इन्होंने बनाया था। अब इसमें देखो कौन सी कंट्रीज हैं। एक तो आसियान की 10 कंट्रीज हैं। अब बाकी की कंट्रीज को हम जल्दी से याद कर लेते हैं पेयर्स में। मैंने बोला था पेयर्स में याद करो सब याद होता है। एक पेयर बन गया जापान साउथ कोरिया का। एक बन गया यहाँ पे इंडिया चाइना। एक बन गया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड और एक और बन गया यूएस रशिया। ये हो गए आपकी बची हुई 8 कंट्रीज। टोटल कंट्रीज इसमें 18 है। किसमें ईस्ट एशिया समिट में 18 कंट्रीज हैं। 8 कंट्रीज को आप चार के पेयर दो चार पेयर्स में याद कर लो याद हो जाएगा अपने आप ही। ठीक है इसमें आप ऑस्ट्रेलिया यूएस और रशिया को हटा दो तो आपका एक रीजनल कॉम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप नाम की एक बॉडी है वो बन जाती थी RCEP। इनिशियली इसमें 16 मेंबर्स थे। यूएस रशिया को हटा दो आसियान के साथ वो बची हुई 6 कंट्रीज आसियान +6 कंट्रीज। ठीक है अब लेकिन इसमें बाद में क्या हुआ इंडिया इससे बाहर आ गई। तो प्रेजेंटली इसके अंदर अभी सिर्फ 15 मेंबर्स हैं बट इंडिया वॉज इनिशियली पार्ट ऑफ द नेगोसिएशन बट इट डिड नॉट ज्वाइन इट। RCEP क्या था इट वॉज बेसिकली रीजनल फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जिसमें इंडिया वॉज पार्ट ऑफ द नेगोसिएशन बट बाद में इंडिया की अमाउंट तो यानी 15 ही बची। यानी ये इंडिया हट गया और यूएस रशिया इज नॉट पार्ट ऑफ इट। 1 2 3 4 एंड 5 कंट्रीज वर पार्ट ऑफ दैट RCEP। ठीक
और ईस्ट एशिया समिट की कंट्रीज याद करनी, तो आसियान की 10 कंट्री, टीवी क्लिप ऑफ एमबीपीएस, और ईस्ट एशिया समिट में 8 कंट्रीज हैं, उसमें इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, रशिया, यूएस, और फिर एक ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ठीक, आगे चलते हैं। नायरोबी डिक्लेरेशन है, क्लाइमेट रिलेटेड एक डिक्लेरेशन है, फर्स्ट अफ्रीकन क्लाइमेट समिट 2023, जो कि फर्स्ट अफ्रीकन क्लाइमेट समिट हुआ कहाँ पर, इट वॉज नायरोबी केन्या में, एंडेड विथ नायरोबी डिक्लेरेशन। ठीक है, अफ्रीका के अंदर एक क्लाइमेट समिट हुआ पहली बार, और उसका नाम उन्होंने रखा है, उसका जो डिक्लेरेशन था, फाइनल डिक्लेरेशन, दैट हैज बीन नेम्ड एज नायरोबी डिक्लेरेशन। ठीक, दिल्ली डिक्लेरेशन एक और आ गया, दिल्ली डिक्लेरेशन रिलेटेड टू G20। खासियत इसकी है कि 20 की 20 कंट्रीज का एक यूनानिमस कंसेंसस के साथ हमने ये डिक्लेरेशन को निकाल दिया, विच इज अ बिग अचीवमेंट फॉर इंडिया एज द होस्ट। और फिर थीम ऑफ द समिट हमें पता है, वसुधैव कुटुंबकम, वर्ल्ड इज वन फैमिली। मेजर आउटकम्स देख लेते हैं जल्दी से। अफ्रीकन यूनियन को हमने एडमिट कर लिया G20 का पार्ट, सो दैट इफेक्टिवली मेक्स इट G21। ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस वॉज लॉन्च ऑफिशियली ऑन ड्यूरिंग द G20 समिट। इंडिया मिडिल ईस्टर्न कॉरिडोर हमने बनाया, एक फाइनेंशियल इंक्लूजन डॉक्यूमेंट लेकर आए, एक कमिटमेंट हमने किया है कि हम अपने ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को ट्रिपल कर देंगे 2030 तक। 20 दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज अगर आके बोल रही हैं, तो अगर करना चाहें तो कर भी सकते हैं। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन का एक कमिटमेंट दे दिया। स्मॉल आर्म्स एंड टेररिस्ट सेफ इवेंट्स, उन्होंने बोला है कि ऐसे टेररिस्ट सेफ इवेंट्स को हम लोगों को हेल्प नहीं करनी है, इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशन। हेल्थ केयर रेजिलियंस एंड रिसर्च, इस पे भी काम करना है, कोविड के कॉन्टेक्स्ट में दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिकेटर्स फॉर मेजरिंग ग्लोबल स्किल्स गैप्स, G20 कंट्रीज अग्री टू इंडिकेटर्स प्रपोज बाय द ILO। यहाँ पे G20 कंट्रीज मिली थी, ILO ने कुछ इंडिकेटर्स बोले थे टू एस्टैब्लिश कैसे ग्लोबल स्किल गैप्स को एसर्टेन किया जाए। ILO और OECD ने कुछ इंडिकेटर्स बनाए जिसको एडॉप्ट किया गया है G20 के टाइम पे टू मेजर द ग्लोबल स्किल गैप्स। ठीक है, यही है, इसमें और कुछ नहीं, ये है बेसिकली ये जो मेन स्किल गैप्स के रीजन है। इंडिया सऊदी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल, से इंडिया हैज एस्टैब्लिश्ड अ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल विद अ कंट्री, विच कंट्री इज इट, इट इज सऊदी अरेबिया। ठीक, ये बनाया कब था हमने, 2019 में, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल, तो हम स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप भी है उसकी काउंसिल भी है। एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी हम बना रहे हैं आरामको, जो कि सऊदी आरामको एक कंपनी है, और एडनॉक जो UAE के है, और ये कुछ इंडियन कंपनीज मिलकर बना रहा है एशिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट रिफाइनरी। कहाँ बना रहे हैं ये लोग, रत्नागिरी महाराष्ट्र में। ठीक है, इंडिया ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस ब्रिज बनाया, कौन सी कंट्री के साथ मिलकर, यूके के साथ। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस ब्रिज यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के फाइनेंस को ब्रिज करने के लिए देर इज एन इनिशिएटिव। सब कुछ नाम में समझ में आता है, वैसे ऐसे नाम में काम समझ में आता है, तो नाम में काम समझ में आता है अगर आप ध्यान दो तो। ठीक, तो नीति आयोग और वहां का जो सिटी ऑफ लंदन कॉरपोरेशन है, उनका एक्सपर्टीज है अलग अलग में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में काम करने की, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, ओवरऑल एक्सपर्टीज, ये सारी चीजें हम लोग वहां पर इंश्योर कर सकते हैं। एंड इट हैज बीन नेम्ड एज इंडिया यूके इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस ब्रिज, किसके थ्रू, नीति आयोग, और यूके का कौन सा एंटिटी, सिटी ऑफ लंदन कॉरपोरेशन। ठीक, इंडिया ब्राजील ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट लॉन्च किया था, उस ज्वाइंट स्टेटमेंट में हमने पर्टिकुलरली इप्सा फोरम के टाइम पे जो ज्वाइंट स्टेटमेंट था, वी आर फोकस्ड ऑन दिस एस्पेक्ट, G4, L69, कोफी अन्नान की एक रिपोर्ट, ये सारी चीजें, कॉफी क्लब, यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी व्हेन वी टॉक्ड अबाउट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स, यूएनएससी रिफॉर्म्स की जब हम बात करते हैं, G4 बिकम्स इंपॉर्टेंट, L69 ग्रुप बिकम्स इंपॉर्टेंट, ब्राजील सपोर्ट टू द इंडियन कैंडिडेट फॉर नॉन परमानेंट सीट ऑफ यूएनएससी, दिस ऑल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तमिल इशू इन श्रीलंका, इंडिया रिएक्शन कम्स इन द बैकड्रॉप। अब देखो क्या हो रहा है, इंडिया का एक तमिल वहां पे श्रीलंका के साथ एक मेजर इशू है, जैसे ये अगर इंडिया का मैप है, यहाँ पे कहीं पे तमिलनाडु है, सॉरी श्रीलंका है, श्रीलंका के इस वाले पोर्शन जो नदन पोर्शन है, मोस्टली नदन और ईस्टर्न पोर्शन, यहाँ पर रहते हैं कई सारे तमिल्स। तमिल्स एथनिकली एथनिकली तमिल्स हैं, रिलीजियस वाइज रिलीजियन वाइज हिंदू हैं, और यहाँ जो मेजोरिटी कम्युनिटी है जिनको सिन्हाली बोला जाता है, सिन्हालीज आर द मेजोरिटी एंड देयर कम्युनिटी, देयर रिलीजियन इज मेनली बुद्धिस्ट। ठीक, आपने एथनिसिटी समझ ली, और तमिल्स का हमें पता है कि यहाँ पे एक तमिलनाडु करके एक स्टेट है, तो दे हैव एफिनिटी विद देम, तो इंडिया का इन्वॉल्वमेंट इसलिए भी होता है इस इशू में। ठीक है, इंडिया रिएक्शन कम्स इन बैकड्रॉप रिपोर्ट रिलीज बाय
ऑफिस ऑफ द यूएनएचसीआर, यूएनएचसीआर ने एक नया रिपोर्ट निकाला था जिसमें श्रीलंका के ह्यूमन राइट्स को लेकर वो कुछ कुछ बातें बोल रहे थे। मेनली ह्यूमन राइट्स में श्रीलंका की जब बात करते हैं तो ये तमिल इशू बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तमिल्स का और सिनेलीज का एक बहुत सालों से सिविल वॉर चला आ रहा था, जहाँ पे LTTE नाम की एक लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर इलम नाम की एक बॉडी थी, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था। उनके लिए टेररिस्ट हो सकता है, बाकियों के लिए कुछ और डेफिनेशन हो सकती है। तो लिट्टे नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन थी, आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन थी, आर्म्ड इंसर्जेंट ग्रुप था। तो जो आर्म्ड इंसर्जेंट ग्रुप था, जिसको किसी समय पर इंडिया ने भी ट्रेनिंग दे रखी थी, तो जो आर्म्ड इंसर्जेंट ग्रुप था इनको लेकर कुछ वहाँ पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन के कई सारे केसेस हुए थे। तो इट वॉज कंसिडर्ड, इट वॉज सेड दैट द माइनॉरिटी इन श्रीलंका इज नॉट वेरी सेफ। रिपोर्ट हाईलाइटेड डिलेज इन होल्डिंग द लोकल। आपके एक 13th अमेंडमेंट से रिलेटेड एक चीज हुई थी। पहले तो 13th अमेंडमेंट क्या है ये देख लेते हैं, दिस आई हैव ऑलरेडी मेंशन। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखो, एक इंडिया श्रीलंका का अकॉर्ड हुआ था, ठीक है, राजीव गांधी वॉज द CPM एट दैट टाइम। कहीं ना कहीं वो राजीव गांधी का इन्वॉल्वमेंट इन द तमिल इशू ऑल्सो टर्न आउट टू बी वन ऑफ द रीजन वाई ही वॉज किल्ड लेटर ऑन। तो इंडो श्रीलंका अकॉर्ड वॉज साइंड इन 1987, ठीक है। इस अकॉर्ड के अकॉर्डिंगली जो श्रीलंका का कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें एक 13th अमेंडमेंट लेकर आना जरूरी था। इस 13th अमेंडमेंट में क्या बोला था इन्होंने, इन्होंने बोला था कि क्रिएशन ऑफ प्रोविंशियल काउंसिल एश्योर्ड अ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट टू सेल्फ गवर्न फॉर तमिल्स। तमिल्स के पास पावर शेयरिंग अरेंजमेंट नहीं था, तो इन्होंने बोला 13th अमेंडमेंट लेकर आएंगे हम कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें कि तमिल्स जो इस रीजन में रहते हैं दे विल हैव देयर ओन प्रोविंशियल काउंसिल, ताकि खुद को सेल्फ गवर्न कर सके, और खुद जब सेल्फ गवर्न कर पाएंगे तो दे शुड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम लीव द वेपन्स। ठीक है, और ये सारी चीजें जो ये जो टॉपिक्स हैं, ये जो सब्जेक्ट्स हैं, दे विल ऑल बी डिवॉल्व टू द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। दिस वॉज पार्ट ऑफ द 13th अमेंडमेंट ऑफ द एकॉर्ड दैट वॉज साइन वे बैक इन 1987। ठीक है, अब 1987 का जो वो पूरा एकॉर्ड था उसका इम्प्लीमेंटेशन अभी तक ढंग से नहीं हुआ है, उसको लेकर इंडिया हर बार बोलता है श्रीलंका को कि भैया वो साइन किए 30 30 साल हो गए, कुछ कर लो आप। ठीक है, देन यू हैव समथिंग कॉल्ड ईस्टर्न मैरिटाइम कॉरिडोर। ईस्टर्न मैरिटाइम कॉरिडोर में कंट्री याद रखो इंडिया एंड रशिया, सिटीज याद रखो, इंडिया का पोर्ट है चेन्नई और रशिया का एक पोर्ट है व्लादिवोस्तोक। रशिया का जो आपने मैप अगर देखा होगा वो ऐसे एक बहुत बड़ी सी एक ऐसी इतनी बड़ी सी एक ऐसी एक टेरिटरी बनती हुई दिखती है। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को हम कहते हैं रशिया का फार ईस्ट। रशिया की जितनी भी मेजर सिटीज है ना वो सब आपको इधर पे मिलेंगे। दिस इज बेसिकली द पार्ट जहाँ पे आपको मॉस्को, यहाँ पे आपको एक मेजर पोर्ट मिलेगा दैट इज नोन एज सेंट पीटर्सबर्ग, ये वाला जो पार्ट है। तो इधर से अगर हम देखें और फार ईस्ट वाला रीजन अगर देखें, तो फार ईस्ट वाला रीजन बहुत ज्यादा डेवलप्ड नहीं है, लेकिन फार ईस्ट वाला रीजन अगर हम देखें, इस वाले रीजन से आपको इंडिया आना है ना, तो इट टेक्स पूरा पूरा का पूरा आपको पूरा यूरोप घूम के मेडिटेरेनियन सी क्रॉस करके फिर इधर से आके फिर इंडिया पहुंच सकते हो। इन फार ईस्ट जो है यहाँ पे एक सिटी है व्लाडिवोस्टोक नाम की, इधर से आप चाहो तो चेन्नई पोर्ट तक तो बहुत आराम से पहुंच सकते हो, विच इज नॉट टू फार। यहाँ से चेन यहाँ आप चाइना जापान वाला साउथ चाइना सी क्रॉस कर कर मलक्का मलक्का स्ट्रीट से सीधा अरेबियन ये सॉरी बे ऑफ बंगाल लग जाता है। ठीक है, इस ईस्टर्न मैरिटाइम कॉरिडोर को हम डेवलप करने की बात कर रहे हैं, इंक्रीज इंडियाज इन्वॉल्वमेंट विद रशियन फार ईस्ट। हम वही ऑयल नेचुरल गैस वगैरह लेते हैं रशिया से, तो अगर हमने फार ईस्ट जो है इस वाली जगह पे इधर पर अगर हमने रशिया को थोड़ा सा हेल्प किया, ठीक है, और रशिया और इंडिया कोलैबोरेट कर कर अगर ऑयल और नेचुरल गैस इस फार ईस्ट में ही डेवलप करने लग जाए, तो व्लाडिवोस्टोक के पोर्ट से हम लोग बहुत जल्दी ये सारी चीजों को इम्पोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, दिस विल ब्रिंग डाउन द ट्रांसपोर्टेशन टाइम फार ईस्ट बाय अप टू 40%। ठीक है, 24 दिन जो लगते हैं, अब वो 40 दिन जो लगते हैं उसकी जगह अभी 24 दिन ही लगेगा उस सारी चीजों को यहां तक लाने में। मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल, नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल मैंने आपको बताया था, WTO के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, नॉन डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे बेस्ड होते हैं। आगे बढ़ेंगे इसमें क्योंकि बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगा सकते। पीएम वाणी वाईफाई एक्सेस नेटवर्क है इंटरफेस, वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस जहाँ पे बेसिकली पीएम के नाम पे वो लोग वाईफाई एक्सेस देना चाहते हैं दुनिया के देश के कई अलग अलग कोने में। पब्लिक वाईफाई डेटा सर्विस, दिस इज वॉट दे आर डूइंग, पब्लिक वाईफाई डेटा सर्विस पीएम वाणी। वीएम वाणी डेटा सर्विस पब्लिक वाईफाई डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के अंदर आएगा। ठीक है, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी, जहां हम चाहते हैं कि वाईफाई ज्यादा से ज्यादा जगह पे हो ताकि लोगों के पास एक्सेस हो, एक्सेस होगा तो उसको यूज करेंगे, तो उससे अल्टीमेटली इकोनॉमी का भी फायदा होता है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। ASI की एक रिपोर्ट आई थी, फंक्शनिंग ऑफ ASI रिपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि ASI क्या है।
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सबसे पहले तो देखो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आता है, ठीक है। इट वॉज फाउंडेड इन 1861 बाय अ पर्सन नेम्ड एलेक्जेंडर कनिंगम। ही वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कौन है? एलेक्जेंडर कनिंगम, ठीक है। इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, ठीक है। ब्रिटिशर्स जब इंडिया आए थे ना, तो ब्रिटिशर्स हैड वन इंपॉर्टेंट, देखो रूल करना है इतनी बड़ी कंट्री में, तो इनकी सोसाइटी कल्चर सब कुछ समझना जरूरी था। और कई सारे उनके जो पुराने वहाँ के लीडर्स थे, उन जो ऑफिसर्स वगैरह थे, दे आर वेरी इंटरेस्टेड, वेरी मच इंटरेस्टेड इन लर्निंग द सोसाइटी एंड कल्चर ऑफ इंडिया। तो ऐसे ही एक अलेक्जेंडर कनिंगम थे जिन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उस समय एस्टैब्लिश किया था, ठीक है। तो इतना हमें याद रख लेना है, बाकी चलो आगे बढ़ते हैं। ड्राफ्ट पेटेंट अमेंडमेंट रूल्स, अब वो रूल्स रूल्स में क्या दिया हुआ है वो सब देखने की जरूरत नहीं। पेटेंट अमेंडमेंट रूल्स रिलीज किसने किया ये देखो, DPIIT मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है, ठीक है। अल्टीमेटली कॉमर्स और वगैरह के से डायरेक्ट रिलेशन है पेटेंट का। पेटेंट क्या होता है? पेटेंट हमें पता है गवर्नमेंट ग्रांटेड राइट टू एन इन्वेंटर, तो टू विच अलाउज देम टू एक्सक्लूड अदर्स फ्रॉम मेकिंग यूजिंग और सेलिंग देयर इन्वेंशन फॉर अ लिमिटेड टाइम। इंडिया के केस में लिमिटेड टाइम कितना है? 20 ईयर्स हमने दे रखा है, ठीक है। पेटेंट ग्रांट कौन करता है ये देखो, मैंने बोला जहां जहां हाईलाइट किया हुआ है ना, वहां हाईलाइट वाला पढ़ो और आगे बढ़ जाओ। ग्रांट कौन करता है? कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन ट्रेडमार्क नाम की एक बॉडी होती है, विच इज अंडर द DPIIT, एंड DPIIT इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। दे आर द वंस हु ग्रांट द पेटेंट, कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स डिजाइन्स एंड ट्रेडमार्क्स, ठीक है। तो इवन ट्रेडमार्क भी कौन देगा? यही देगा, नाम से समझ में आ रहा है, ठीक है। तो कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क। AI चैटबॉट और पीएम किसान, तो पीएम किसान हमें पता है एक स्कीम है, तो पीएम किसान के अंदर हम क्या करते हैं, पीएम किसान के अंदर फार्मर्स को 6,000 रुपये हर साल के दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब वहां पर अब फार्मर्स को अगर कुछ जानना है पूछना है, तो हमने एक स्टेप फाउंडेशन और एक एग्जिस्टिंग स्कीम है भाषिणी नाम की। भाषिणी लास्ट ईयर के डिजिटल इंडिया वीक में लॉन्च किया गया था, जिसका पर्पस है कि इंडियन एप्स को वर्नैकुलर लैंग्वेज में अवेलेबल करवाया जा सके AI की मदद से। AI की मदद से इंडियन एप्स को वर्नैकुलर लैंग्वेज, यानी क्या कि मान लो हिंदी इंग्लिश में तो आप फिर भी बन जाते हैं, लेकिन तमिल तेलुगु गुजराती मराठी इन लैंग्वेजेस में भी, तो वहां पे भी तो फार्मर्स हैं, तो उन उन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करने के लिए भाषिणी नाम का एक सॉफ्टवेयर है या ऐप है, जिसके थ्रू AI हेल्प करता है उसको ट्रांसलेट करने में उन लैंग्वेजेस में, ठीक है। तो इनकी मदद से हमने पीएम किसान का भी एक चैटबॉट बना दिया। आपको पता है ChatGPT, उसी तरह का चैटबॉट हमने पीएम किसान के बेनिफिशियरीज के लिए भी बना दिया, ताकि वो चैटबॉट में अपनी जो भी समस्या है उसको डालें, और वो भाषिणी की मदद से उनके लोकल लैंग्वेजेस में उनके पास उसका जो भी आंसर्स उनको चाहिए, जो भी वो जानना चाहते हैं वो मिल जाए, ठीक है। तो लॉन्च किसने किया? ऑब्वियसली जिसकी स्कीम है वही लॉन्च करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। और पीएम किसान का एक ऐप है, उसी में इसको इंटीग्रेट कर दिया। नेशनल इन्फॉर्म, कोई भी ऐप आता है तो मोस्टली यहाँ पर कौन बना रहा होता है? ये किसी भी मिनिस्ट्री को अगर उसने ऐप लॉन्च किया ना, उसमें मोस्ट बहुत चांसेस है कि उसको हेल्प किसने किया होगा? नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर ने। इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, फिर 100% ऑफ फंडिंग कमिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बीमा सुगम, देखो इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए देर इज अ बॉडी कॉल IRDAI, विच इज हेडक्वार्टर्ड इन हैदराबाद। हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है इसका? हैदराबाद में। बीमा सुगम उस नाम का एक ऐप लेकर आ रहे हैं, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लेकर आ रहे हैं। आपको पता है मल्टीपल टाइप्स ऑफ, खूब सारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, खूब सारे इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं। सारी इंश्योरेंस कंपनीज को, सारे इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को एक एम्बिशियस प्रोडक्ट प्रोजेक्ट के तहत बीमा सुगम के अंदर वो एक सिंगल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर लेकर आना चाह रहे हैं। दिस इज वॉट दे आर डूइंग राइट नाउ, ठीक है। IRDAI 99 में बना था, रेगुलेटरी बॉडी है, किसको रेगुलेट करती है? इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट करती है। स्टैचूटरी बॉडी है अंडर द IRDAI एक्ट ऑफ 99, एंड अंडर विच मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द अथॉरिटी आर लेड डाउन इन द IRDAI एक्ट एंड 99 एंड इंश्योरेंस एक्ट ऑफ 1938, ठीक है। लो एज सून एज आई रीच द मिसलेनियस सेक्शन आई विल स्टॉप द क्लास। 75% ऑफ इंडिया टोटल विलेजेस आर ODF प्लस अंडर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। अब यहाँ पर एक चीज समझना, एक ODF प्लस होता है और एक ODF डबल प्लस होता है, ठीक है। तो ODF होता है, और एक तो ODF होता है, सबसे पहली चीज ODF होता है कि ओपन डेफिकेशन फ्री हो गया है कि नहीं हो गया, टॉयलेट्स का एक्सेस है कि नहीं। अब आपने एक बार तो और टॉयलेट्स बना दिए, लेकिन टॉयलेट्स आर प्रॉपरली मेंटेन्ड और नॉट, तो ODF मल्टीपल
सालों तक कंटिन्यूड रहता है और टॉयलेट्स में प्रॉपरली मेंटेन रहते हैं तो ODF प्लस का स्टेटस मिलता है। और ODF डबल प्लस होता है कि जब आप ODF प्लस तो हो ही, टॉयलेट्स भी हैं प्रॉपरली मेंटेन्ड भी हैं, लेकिन जो टॉयलेट का पूरा जो पूरा सीवेज सिस्टम वगैरह होता है वो सब भी प्रॉपरली मैनेज्ड है, पूरा का पूरा वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट कंप्लीटली एस्टेब्लिश्ड है, तो दैट वी कॉल इट ODF डबल प्लस। ठीक है, तो ODF प्लस एंड ODF डबल प्लस इस तरह से डिटरमिन होता है। व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी लेकर आ गए, उन्होंने बोला है जो कमर्शियल व्हीकल ट्रक वगैरह हैं 15 साल से पुराने उनको स्क्रैप करो, पर्सनल व्हीकल्स हैं 20 साल से पुराने उनको स्क्रैप करो। उसका रीजन क्या है स्क्रैप करने का, मेनली दे कॉज अ लॉट ऑफ पोल्यूशन, सबसे ज्यादा पुरानी गाड़ियां हैं उसमें वो पुराने सिस्टम एस्टेब्लिश ही नहीं थे, उसमें क्या देखा जाए तो जो अंदर जो इक्विपमेंट्स हैं इंजन वगैरह हैं दे आर वेरी वेरी पोल्यूटिंग, तो वो पुराने चीज गाड़ियों को आपको स्क्रैप ही करना है, आप अलाउड ही नहीं है, आप गाड़ी लेकर सड़क भी नहीं जा सकते 20 साल पुरानी। और स्क्रैपिंग पॉलिसी तब प्रमोट ज्यादा अच्छे से कर पाते हो जब आप मान लो नई गाड़ी खरीदने जा रहे हो, आप अपनी पुरानी गाड़ी लेकर जाओ तो स्क्रैपिंग पॉलिसी के अंदर आपको कुछ एक एक्सचेंज प्राइस मिल जाएगा। तो हमें पता है ना जो चीज मोबाइल फोन्स में हम करते हैं उसी तरह से कुछ चीज हम व्हीकल्स की भी कर रहे हैं, तो व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी नाम की एक चीज लेकर आए थे हम। धीरे धीरे वो क्या करना चाहते हैं, 1 करोड़ अनफिट व्हीकल्स को सड़क से हटा देना चाहते हैं। रोड टेप नाम की एक स्कीम थी, रोड टेप स्कीम का मेन पर्पज, जो पहले एक स्कीम थी मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम MEIS, कुछ रीजंस थे जिसके कारण इसको WTO में क्वेश्चन किया गया था कि इस तरह की आप एक्सपोर्ट सब्सिडीज नहीं दे सकते। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती थी बेसिकली, देखो होता क्या था, तो गवर्नमेंट यूज टू पहले क्या करते थे, मान लो 100 रुपए का प्रोडक्ट है, 100 रुपए के प्रोडक्ट पे जितने भी टैक्सेस हैं इसमें 100 में कुछ टैक्सेस भी होंगे, मान लो 10 रुपए टैक्स थे, तो टैक्स का पैसा जो होता था उतना कम मिल करके कर देते थे, तो जिसके कारण जो एक्सपोर्टर था इस प्रोडक्ट को मार्केट में बेच पाता था ₹90 पे, दिस ऑटोमेटिकली बिकेम ट्रेड डिस्टॉर्टिंग, ट्रेड को डिस्टॉर्ट कर रहा था। तो लोगों ने इसको WTO में क्वेश्चन किया, तो इंडिया ने इस स्कीम को थोड़ा सा चेंज कर दिया। थोड़ा सा कैसे चेंज किया, कि आप जब एक्सपोर्ट कर रहे हो उस समय आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपने एक्सपोर्ट कर दिया ₹100 पे उसके बाद गवर्नमेंट आपको 10 रुपए आपके अकाउंट में देगी, आपको प्रॉपर टैक्स भरना है, सब कुछ करना है, लेकिन वो टैक्स का एक हिस्सा आपको वापस से रिफंड कर देंगे, उससे कुछ नहीं, उन्होंने करा वही है जो पहले कर रहे थे, स्कीम का नाम बदल दिया और WTO कंप्लायंट बना दिया उसको। ठीक है, थोड़ा सा उसको ट्विक करके, और कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं टैक्सेस में कुछ हम लोग वहां पे रेमिशन कर रहे हैं, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस, और ये सारी चीजें कलेक्ट कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कंट्रोल्स दिस पर्टिकुलर स्कीम को रोड टेप, और रोड टेप का जो पुराना स्कीम था जिसको रिप्लेस कर कर रोड टेप आया था वो है मिनिस्टर MEIS, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। ठीक, चलो यहां से मेरे ख्याल से मिसलेनियस सेक्शन स्टार्ट हो जाता है, एशियन गेम्स वगैरह में बहुत ज्यादा कुछ होता नहीं है, आई रैप अप द क्लास राइट नाउ, इसके आगे बहुत ज्यादा स्लाइड्स बची भी नहीं है। ठीक है, तो एक तरह से हमने सेप्टेम्बर ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है, मोस्ट प्रोबली विल हैव वन मोर क्लास टुमारो एज वेल, यू विल बी नोटिफाइड एज एंड व्हेन दैट क्लास इज देयर, बट इतना मान के चलो बाकी बच्चे भी और जितने आप लोग भी हो, कुछ चीजें मैंने क्लास में ऑलरेडी बता दी हैं, जिन बैचेस का कुछ छूट भी गया होगा, तो यहाँ पर हम लोग सारे मंथ्स कवर करेंगे, जनवरी से लेकर नवंबर 15 तक एवरीथिंग विल बी कवर्ड ऑन ऑनलाइन, धीरे धीरे सारी चीजें हम लोग कवर कर लेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। बाकी आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड द कंटेंट, सेप्टेम्बर वाला मैं रात तक और शेयर कर दूंगा, तो यू हैव जनवरी टू सेप्टेम्बर कॉम्प्रिहेंसिव मंथली राउंड ऑफ्स विद यू, पढ़ो जम के पढ़ाई करो, त्यौहार अभी थोड़े कम मनाओ ताकि 3 तारीख को हम अच्छे से त्यौहार मना सकें, उसके बाद जो भी त्यौहार है। ठीक है, और 3 तारीख को जम के बढ़िया अपना पेपर लिखो, यही चाहते हैं, उससे ज्यादा और कुछ नहीं है, सानिध्य सेशन लाइंड अप है, आपके अपने अपने रेस्पेक्टिव मेंटर्स के थ्रू यू विल गेट टू नो अबाउट इट। ठीक है, और जो भी डाउट्स हैं यू कैन ऑलवेज आस्क ऑन द डाउट क्लियरिंग ग्रुप्स, आप लोग सब एडेड हो वहाँ पर, और भी कोई मिसलेनियस डाउट्स है तो यू कैन ऑलवेज आस्क। ठीक है, तो आई रैप अप द क्लास विद दिस, दैट्स इट, थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।